नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है जग में सदा ना रहेगा जग में जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा वहां ना चलेगा चलेगा वहां ना चलेगा ये बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी शोरत तुम्हारी बह जाएगी ये। दौलत यहीं पर रह जाएगी ये, नहीं साथ जाता जग में खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी पहले तो तुम अपने आप को संभालो पहले तो तुम अपने आप को संभालो हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो बुरा है बुरा जग में हाँ बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा ये तो जहां में लगा ही रहेगा ये तो जहां में लगा ही रहेगा आना किसी का जग में जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा रहे <Suchen forward> ना रहेगा ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का इंसान यूं तो उसके पास दौलत खूब होती है पर इंसान को पता है कि बुरे वक्त में दौलत उसके काम नहीं आ पाती आदमी अस्सी लाख की कार में बैठा है हाथ में राडो घड़ी पहने हुए हैं दूसरे हाथ में ब्रासलेट डायमंड का पहना हुआ है और इतने में कार किसी ट्रक से टकराई कार चकना चूर हो गई आदमी जिंदा बाहर निकल गया एक बार बुद्धि लगाओ उस आदमी को किसने बचाया अस्सी लाख की कार ने सूट के इसमें रहे हुए बारह लाख ने हाथ में पहनी हुई राडो घड़ी ने या, या 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 हाथ में पहने हुए डायमंड के ब्रासलेट ने आखिर कौन सी चीज़ उसके पास थी कि जिसके चलते जो कार चकना हो गई थी उसमें से भी आदमी जिंदा बाहर निकल गया जरा बुद्धि लगाई उसमें से क्या चीज़ ऐसी थी एक आदमी चार माले से नीचे गिरा खड़ा हो गया रवाना हो गया बाल भी बांका ना हो गया आखिर क्या चीज उसके पास ऐसी थी कि जिससे चार मंजिल से नीचे गिरकर भी आदमी पांव पे खड़ा हो गया ट्रक से टकरा कर भी आदमी जिंदा बाहर निकल गया हां मैं बता रहा हूं उसको उस समय डायमंड के ब्रासलेट ने नहीं बचाया उसको उस समय बारह लाख रुपयों ने नहीं बचाया उसको उस समय अस्सी लाख की गाड़ी ने नहीं बचाया और उसको उस समय साढ़े तीन लाख की राडो घड़ी ने नहीं बचाया उस समय जो चीज उसे बचाने वाली थी आज मैं आप सब लोगों को वही दौलत चाहता हूं जो बुरे समय में हमारे काम आती है और समय में हमारे काम आती है संकट की घड़ी में हमारे काम आती है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़कर चली जाती है तब भी वो दौलत हमारे काम आती है जंगल में भी काम आती है घर में भी काम आती है दुनिया में हम कहीं भी चले जाए जन्म से लेकर मरते दम तक हर पल जो दौलत हमारे जीवन में काम आती है आज मैं उस दौलत की बात करता हूं जब याद करेंगे आपको लेगा हाँ जब दुनिया में कोई मेरा काम न आया जब कोई मुझे न बचा पाया जब मेरे संकट की वेला में कोई मुझे साथ निभा पाया, तब एक चीज मेरे साथ चलती रही जिसने मुझे संकट से बाहर निकाला दुखों से बाहर निकाला टेंशन से बाहर निकाला तकलीफों से बाहर निकाला आर्थिक गतिविधियों में जब रुकावट आ गई उससे भी बाहर निकाला और इस दौलत का नाम है दुआ की दौलत कौन सी दौलत दुआ की दौलत जिसे हम प्रार्थना कह दें जिसे हम विनती कह दें जिसे हम शुभकामनाएं कह दें जिसे हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह दें जिसे हम ब्लेसिंग कह दें पर कुल मिलाकर जो एक शब्द में आकर चीज पूरी होती है और उस दौलत का नाम है दुआ की दौलत जब एक बहुत अमीर आदमी के बेटे का ऑपरेशन होता है एक बेटा एक्सीडेंट हो गया होगा एक बेटा उसका ऑपरेशन है गंभीर हालत में है और वो अरबपति आदमी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा है ऑपरेशन अंदर चल रहा है और औ, 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 और 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 ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब जो पैसा लगे मैं खर्च करूंगा मेरा बेटा बच जाना चाहिए मेरा बेटा बच जाना चाहिए मेरा बेटा बच जाना चाहिए डॉक्टर साहब जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा बिल का भुगतान होगा मेरे बेटे को बचा लो तब डॉक्टर कहते हैं भाई साहब हमने पूरी कोशिश कर ली अब तो आप केवल एक काम करो अब बोलो क्या करो क्या करो हमने दवा का उपयोग तो कर लिया पर इस दुनिया में जहां जहां दवा निष्फल हो जाती है वहां एक ताकत वहां एक शक्ति वहां एक विल पावर काम आता है और उस दौलत दुआ की दौलत उसका नाम है आशीर्वाद की दौलत उसका नाम है ब्लेसिंग की दौलत उसका नाम है प्रार्थना की दौलत उसका नाम है बड़े बुजुर्गों की शुभकामनाओं की दौलत और मैं चाहूंगा हर किसी इंसान को बड़े से बड़े संकट की घड़ी से बाहर निकलने के लिए जब आपको लगेगा मेरा दुनिया में कोई काम ना आया मैंने सबको याद किया तब भी कोई काम ना आया तब अभी एक प्रार्थना काम आती है कभी वो चंदन बाला के काम आती है कभी वो द्रौपदी के काम आती है जब जो पुकार ले उसके लिए वो प्रार्थना वो विनती वो 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 ब्लेसिंग उसके काम आता है कभी चंदन बाला के द्वार पर महावीर आ जाते हैं और कभी द्रौपदी के चीरहरण को कृष्ण रोक लेते हैं यही तो है यही तो है प्रार्थना की ताकत यही तो है ब्लेसिंग की ताकत यही तो है दुआ की ताकत कि जब एक आदमी गिरा पास में लाख रुपए भी जेब में थे हीरे की अंगूठी पहनी थी नीचे गिरते ही प्राण निकल गए एक आदमी पांच माले से गिरा एक रुपया भी जेब में नहीं था हीरे की अंगूठी नहीं थी फिर भी बच गया उस बचाने वाली शक्ति का नाम है दुआ की दौलत इसलिए आज जो मैं खास बात आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं जिस चीज को इंसान को रोज अपने जीवन में बटोरते रहना चाहिए क्योंकि ये वक्त में भी काम आती है और बेवक्त में भी काम आती है यह तब भी काम आती है जब दुनिया में आपका कोई काम नहीं आता मैंने कहा संकट की घड़ी में काम आती है सच्चाई तो यह है जिन लोगों की झोली में जिन लोगों के पास दुआ की दौलत होती है उनके जीवन में संकट कभी आया ही नहीं करते हैं संकट दूर से निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी शुभकामनाएं इतनी ईश्वर की प्रार्थनाएं इतनी दुआ की दौलत अपनी जिंदगी में इकट्ठी कर रखी होती है तो आज जो मैं खास एक अमीर आप लोगों को बना रहा हूं एक दुआ की दौलत देकर दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद बनाना चाह रहा हूं जब आपको लगेगा हां मेरे जीवन में कोई चीज काम न आई थी तब भी एक चीज काम आई मेरा बेटा बीमार था मैंने खूब डॉक्टरों को दिखाया परिणाम न निकला पर अंततः मेरे एक दौलत काम आई दुआ की दौलत काम आई संतों के आशीर्वाद की दौलत काम आई बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की दौलत काम आई और उनकी बदौलत आज मेरा बेटा वापस ठीक हो गया पत्नी आयुष

निमया मतलब वे सभी स्वस्थ हों वे सभी प्रसन्न रहें, उन सभी के जीवन में खुशियां रहें, किसी को भी दुख और संकट न घेरे रोगों को बचाना तो हमारे हाथ में नहीं है पर उन रोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करना दुआएं करना यह तो हमारे हाथ में है ना मुझे याद है घटना पुरानी है पर इसी देश के एक बड़े शहर की घटना है शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी के यहां पड़पोते का जन्म हुआ दादा ने निर्णय लिया मेरे घर में पड़पोता आया है कई साल हो गए मैंने सकल समाज का जीवन नहीं किया और उन्होंने फैसला किया जब हमारे पड़पोते की पहली वर्षगांठ यानी पहला जन्म दिवस आएगा तो हम पूरे सकल समाज का पंद्रह हजार लोगों का जीवन करेंगे तैयारियां शुरू हो गई पंद्रह दिन पहले से पूरे नगर में तैयारियां शुरू हो गई पहली बार किसी बच्चे के जन्मदिन पर पंद्रह हजार लोगों का पूरे सकल समाज का भोजन बनने वाला था जिस दिन भोजन का कार्यक्रम तय था रविवार के दिन अल सुबह बच्चे की तबीयत बिगड़ गई सुबह सुबह तीन चार बजे उसे मरोड़े आने लग गए मरोड़े का मतलब समझते हैं उसका पूरा शरीर वांका होने लग गया घूमने लग गया हाथ पांव बिल्कुल मरोड़े खाने लग गए बच्चे की आंखें ऊपर चढ़ गई अस्पताल में ले जाया गया शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज शुरू हुआ आयुष्य में बच्चे को दाखिल किया गया घंटे दो घंटे के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इससे बचाना इम्पॉसिबल है इसकी सांसें अब रुकने वाली है इसको मरोड़े आने लग गए हैं इसकी आंखें ऊपर चढ़ गई है अब बचाना बहुत तेड़ी खीर है दादाजी पर दादाजी को सूचना गई इस तरह पड़पोता बीमार हो गया आज जिसके दिवस पर पंद्रह का खाना है वो पड़पोता बीमार पड़ गया है और डॉक्टरों ने हाथ छटक दिए हैं कहते हैं घर ले जाना हो तो ले जाओ और यहां रखना हो तो यहां रखो क्योंकि इसे बचाना अब हमारे बस का रोग नहीं है तुम हमें उपालम मत देना क्योंकि अब इसे बचाना हाथ में नहीं पर दादाजी चिंतित हो गए क्या करूं बच्चों ने पूछा पापा क्या करना है अरे पंद्रह हजार लोगों का खाना बादाम की कतलियाँ बन गई है राजभोग बन गए हैं दही बड़े बन रहे हैं और, और 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 कचोलियां बननी शुरू हो गई है दादाजी करना क्या है दादा ने कहा अरे जिसके लिए जीमण कर रहे हो जब वो ही नहीं बच रहा है तो जीमण करने का मतलब क्या है जीमण को कैंसिल कर दो कोई बात नहीं समाज में दो बात होगी सारी मिठाई सारा राजभोग सारी बादाम की कतली ये मैं इसलिए घटना कह रहा हूं क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट सच्ची घटना है और 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 सारे कचोलियाँ उन्होंने अपने अपने फैक्ट्रियों से बड़ा अमीर आदमी था आठ दस फैक्ट्रियां थी सारे स्टाफ को इकट्ठा करवा लिया सारी गाड़ियां टैक्सियां लोडिंग टैक्सियां ट्रकें बसें और 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 उनके जो स्टाफ को लाने ले जाने के साधन थे उन सबको बुला लिया और कहा इन गाड़ियों में भरो ले जाओ कच्ची बस्तियों में और ये सारा भोजन पंद्रह हजार लोगों की मिठाइयां गरीबों को बांट दो और जहां बांटो केवल एक बात कहना सबसे कि भैया ये सेठ ने भेजा है सेठ ने भेजा है केवल दुआ करो उसका बच्चा ठीक हो जाए सेठ का बच्चा ठीक हो जाए सेठ का बच्चा ठीक हो जाए कहते हैं यही किया गया बहुएं निकल पड़ी बाहर बच्चे निकल पड़े बाहर और सैकड़ों स्टाफ गाड़ियां ले लेकर के निकल पड़ा पंद्रह हजार लोगों का खाना कच्ची बस्तियों में बांटने के लिए गंदे नालों के किनारे बांटने के लिए गरीबों में बांटने के लिए भूखे भिखारियों में बांटने के लिए निकल पड़ा परिवार का हर सदस्य पूरे शहर को यह पता है

और वो बच्चा आज भी जिंदा है जब दुनिया की कोई चीज इंसान के काम नहीं आती है सेठ समझ गया अब मेरे बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा सकते अब मेरे बच्चे को मेरी फैक्ट्रियां धन दौलत और मेरा बैंक बैलेंस नहीं बचा सकता सेठ को यह खबर लग गई थी अब मेरे बच्चे को पड़पोते को अगर बचाना है तो अब अब मेरी फैक्ट्रियां धन दौलत मेरे एफ और मेरे मेरे शेयर्स अब काम नहीं आएंगे अब एक चीज काम आएगी और वो दौलत है दुआ की दौलत और उसने गरीबों के मुंह से दुआएं ली इसलिए कहते हैं ना गरीब की दुआ भी काम करती है और गरीब के बद दुआ भी काम करती है इसलिए ज़िंदगी में जब भी धंधा करो व्यापार करो व्यवसाय करो इस बात का जरूर विवेक रखना मैं अपने व्यापार में कभी भी बद दुआ वाला धंधा नहीं करूंगा जब भी करूंगा किसी की दुआ मिल जाए ऐसा धंधा करूंगा मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसको पैसे हाथ में पकड़ा देना ताकि वो जाते हुए दुआ देकर जाए और कहोगे आज नहीं कल देखेंगे आज मेरे जेब में पैसे नहीं हैं वो बस दुआ करके जाएगा अरे मैंने सोचा था रस्ते में आधा पाव सरसों का तेल लेगा एक किलो आटा लेगा सब्जी लेँगा लून नमक लेकर जाऊँगा मिर्चियाँ ख़रीद के जाऊँगा तीन सौ का सामान घर पर ले कर जाऊँगा तुमने तो एक मिनट में कह दिया पैसा नहीं है मेरे पास चले जाओ यहाँ से तीन दिन बाद मिलेगा मेरे भाई मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसके हाथ में रुपये पकड़ा देना ताकि वो जाते हुए दुआ करके जाए कभी बद दुआ करके ना जाए क्योंकि दुआ अगर काम करती है तो याद रखना कभी कभी बद दुआ भी तो मैं आप लोगों को जो मोटिवेट कर रहा हूं जीवन का महान पाठ पढ़ाने के लिए और वो अनुरोध ये कर रहा हूं आज से नियम बना लो मैं हमेशा दुआएं ही लूंगा इस दौलत को जरूर बटोरूंगा बाकी धंधा करो दुकान चलाओ और सब करो वैसे भी अभी कोरोना काल है तो धंधा पानी सबके थोड़े थोड़े क्या हो गए ठप हो गए हैं तो क्यों ना जब धंधा पानी ठप हो गया है ये वाली दौलत नहीं कमाई जा रही है चलो हम नई दौलत कमाते हैं दुआओं की दौलत कमाते हैं हम अपनी तरफ से प्रार्थना अपनी तरफ से आशीर्वाद लोगों के लेते हैं अपनी तरफ से ब्लेसिंग लोगों के लेते हैं तो हम ऐसे काम करेंगे कि जिससे हर कोई हमें दुआ देकर जाए समय अपने पास कम है इसलिए अब मैं सीधे बात पर आ रहा हूं कि कोई भी आदमी अपने जीवन में दुआ कैसे पाए हमने अपने बच्चे के बर्थडे पर उसे एक लाख का मोटरसाइकिल दिलाई क्या इसके बदले में दुआ की दौलत मिलेगी हु? हमने अपने पड़पोते के जन्मदिन पर सौ लोगों को होटलों में ले जाकर खाना खिलाया उन अमीर लोगों को क्या उसके बदले में दुआ मिलेगी सोचो सोचो हर आदमी सोचे आप इस दुनिया से जब जाएंगे तो जाते समय अपना साढ़े तीन करोड़ रुपए का मकान अपने पोते पोती और बच्चों के नाम करके जाएंगे एक बार दिमाग लगाना क्या इसके बदले में अगले जन्म में आपको कुछ मिलेगा यस yes, नो no? तीन करोड़ का मकान बच्चों के नाम सौंप कर गए बदले में कुछ मिलेगा और अपने हीरे की चूड़ियां बहुओं के नाम छोड़ कर गए और 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 अपने और अपने और अपने अपने, अपने, अपने मोतियों का बोर और डायमंड सेट सब घर पर छोड़ कर गए पर बदले में कुछ नहीं मिलेगा हाँ साढ़े तीन करोड़ का आपने मकान छोड़ा उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा पर साढ़े तीन लाख का आपने किसी अनाथालय में किसी वृद्धाश्रम में किसी धर्मशाला में किसी किसी मानवीय सेवा की जगह पर साढ़े तीन लाख रुपया खर्च करके आपने एक छोटा सा कमरा एक कट का रूम एक दवाओं की व्यवस्था एक ऑपरेशन थिएटर आपने बना दिया सोचो बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी पर ढाई करोड़ का खर्चा किया अगले जन्म में कुछ मिलेगा शायद नहीं मिलेगा पर दूसरे आदमी ने गरीब लोगों की बेटियाओं की शादी करने के लिए 200 कन्याओं की शादी करने के लिए 50 पचास हजार रुपया खर्च करके 50 लाख का खर्चा कर दिया सोचो अगले जन्म में कुछ मिलेगा मेरे भाई जब जब आदमी स्वार्थ के लिए करता है तो उसका कृत्य यही रह जाता है और जब जब आदमी परमार्थ के लिए करता है तो वो दुआ की दौलत बन जाएगा जब जब आदमी अपनों के लिए करता है तब स्वार्थ बन जाता है जिस समय आप भोजन कर रहे हैं आपके सामने चांदी की थाली है चांदी की कटोरियां हैं, चांदी के चम्मच हैं, आठ तरह की सब्जियां हैं आठ तरह के पकवान हैं, यह आपकी सफल जिंदगी का परिणाम है पर आप जब भोजन कर रहे हैं तब आपने किसी गरीब व्यक्ति को भी सत्तर रुपए की थाली भोजन की व्यवस्था कर दी आपकी थाली चांदी की और आपकी थाली में बीस चीजें हैं यह आपकी सफलता है पर आपने अपना भोजन करने से पहले किसी गरीब को भोजन कराया आपके जीवन की सार्थकता है दुआएं कभी भी सफलता से नहीं मिलती दुआएं आदमी को सार्थकता से मिलती है इसलिए तो पुराने जमाने में कहते थे नेकी कर कहां डाल कहां डाल कुए में डाल अरे मेरे भाई ऐसे परमार्थ के काम करो लोग बड़ी गजब के होते हैं अभी पता है? कोरोना काल में लोगों ने ऐसे ऐसे फोटो आ रहे थे एक केला किसी रोगी को दे रहे हैं और पंद्रह लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं लगता है इतना केला भारी है कि पंद्रह लोग मिलकर उठा रहे हैं एक सेब एप्पल किसी को दे रहे हैं और बारह लोग खड़े हैं लाइन सर और वो बारह लोगों से एक पल पे हाथ लगा रहे हैं जैसे कि भगवान का अभिषेक करते हैं ना कि एक हाथ तू लगा ले उसके पीछे वो लगा ले, उसके पीछे पीछे वो वो लगा लगा ले ले और एक केले में बारह फोटो खिंचवा रहे हैं फल दान करके आए एक सौ का और फोटोग्राफी का खर्चा हो गया एक सौ का देखी कर कुएं में डाल और जब बात मैं कह रहा हूं दुआ की दौलत को बटोरने की कौन सी बात दुआ की दौलत को बटोरने की तो दुआ की दौलत तीन तरीके से हम जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं दुआ की दौलत को उपलब्ध करने का पहला तरीका है और वो है हर किसी व्यक्ति को अपने जेहन से जोड़कर रखना चाहिए जब मैं कहूंगा हां आप कहेंगे वाह भाई वाह बात तो बिल्कुल सही है ये काम हम जब भी करेंगे दुआ मिलेगी ये काम हम जब भी करेंगे आशीर्वाद मिलेगा ये काम हम जब भी करेंगे शुभकामनाएं मिलेंगी ये काम हम जब भी करेंगे ब्लेसिंग मिलेंगे और वो दुआ की दौलत को पाने का पहला तरीका है और वो है प्रणाम बोल लीजिए सब लोग मुझसे क्या है प्रणाम हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं हम जब भी किसी को नमन करते हैं हम जब भी किसी के सामने करबद्ध होते हैं हम जब भी किसी की अभिवंदना करते हैं बदले में वो क्या देगा हमें शुभकामनाएं देगा भगवान तेरा भला करे तेरे जीवन में खुशियां रहे तेरे बच्चे खुश रहे आपका व्यापार अच्छा चले आपके जीवन में सदा स्वस्थ रहें ईश्वर आपकी रक्षा करे यही सब ब्लेसिंग मिलेगी ना हम जब भी अपने बुरी दादीसा को प्रणाम करने सुबह जाते हैं ना दोक लगाते हैं तो पता है दादी क्या कहते हैं भगवान थारो भलो करे है? थारो धंधो अच्छा चले थारा नवग्रह अच्छा रहे थारा भाग्य अच्छा रहे थारा टाबर अच्छा रहे बेटा तू तो सुबह सुबह मैंने दोक लगाई थारी साठ पीढ़ी खुश ब्लेसिंग मिले शुभकामनाएं मिली प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है ध्यान रखना प्रणाम हम जब भी करते हैं प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है प्रणाम का पहला परिणाम जब भी हमारी आंख खुलती है अगर हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं मतलब शुभकामनाओं से शुरुआत हुई जब भी हम प्रणाम करेंगे तो बदले में शुभकामनाएं आशीर्वाद मिलेगी जब भी हम प्रणाम करेंगे हमारे रिश्तों में मिठास घुलेगा जब भी हम प्रणाम करेंगे कल का कोई कलुषित वातावरण बना है वो खत्म हो जाएगा जब भी हम प्रणाम करेंगे आपसे कोई चीं है तो मिट जाएगी जब भी हम प्रणाम करेंगे तो मन में जो तनाव चिंता अवसाद घुटन है वो खत्म हो जाएगा जब भी हम प्रणाम करेंगे हमारा भाग्य जागृत होना शुरू हो जाएगा जब भी हम प्रणाम करेंगे हमारी किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी जब भी हम प्रणाम करेंगे हमारे नवग्रह अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे प्रणाम एक होता है पर प्रणाम हजार होते हैं प्रणाम एक होता है पर परिणाम हजार होते हैं और मैं इसीलिए अनुरोध करना चाह रहा हूं हर किसी इंसान को अपने दिन की शुरुआत दुआ की दौलत बटोरने के लिए अगर ये रक्षा कवच आप पहनकर जाते हैं कोई व्यक्ति सुबह उठकर अपने पूज्य पिताजी के सामने घुटने टिका कर शीज झुका कर अगर प्रणाम कर देता है हमेशा ध्यान रखो बड़े बुजुर्गों को कभी भी खड़े खड़े प्रणाम मत करो तीन लोगों को कभी भी खड़े खड़े प्रणाम नहीं करना चाहिए नंबर एक ईश्वर जब भी मंदिर जाओ परमात्मा के द्वार पर जाओ परमपिता परमेश्वर अपने आराध्य को प्रणाम करो तो हमेशा घुटने टिका के सीज झुका के प्रणाम करो पंचांग प्रणाम पंचांग प्रणाम मतलब दो घुटने तो दो अंग दो हाथ तो चार अंग और एक माथा ये पांचों जब झुकते हैं और मुड़ते हैं तो पंचांग प्रणाम होता है मान लो ना पंचांग प्रणाम की मुद्रा सिखाऊं देखो यूं होता है पंचांग हाथ जोड़ो हम पंचांग प्रणाम कैसे होता है पहला दो पांव मुड़े दूसरा दो हाथ मुड़े तो कितने हुए चार और तीसरा जब भी तीन लोगों को जब भी प्रणाम करो तो जीवन में हमेशा पंचांग प्रणाम करो नंबर एक ईश्वर ईश्वर के श्री चरणों में जाकर जब भी प्रणाम करते हैं खड़े खड़े यूं करके मत आओ घुटने टिकाओ हाथ जोड़ो अपना शीश झुकाओ उनके चरणों में अपना माथा नमाओ ताकि उनके आशीर्वाद प्रार्थना हमारी होती है और आशीर्वाद उनके द्वारा हमें मिलते हैं नंबर दो गुरुजन उनको जब भी प्रणाम करो तो घुटने टिका के हमेशा प्रणाम करो और नंबर तीन माता पिता उनके श्री चरणों में जब भी प्रणाम करो रिमोट से प्रणाम कर मत करो मम्मी धोख पापा धोख दादा मुजरो दादी सा प्रणाम ना बाबा ना पहले घुटना टिकाओ फिर अपने दोनों हाथ जोड़ो करबद्ध हो याद रखना हाथ उठाकर आदमी दस लोगों को नहीं जीत सकता पर हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है हाथ उठाकर आदमी दस लोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता चाहे जितना पहलवान हो पर हाथ जोड़कर विनम्र होकर आदमी लाखों लोगों के दिलों में जगह बना सकता है तो यूं करें प्रणाम दोनों घुटने दोनों हाथ पूरा सीर छुका करके प्रभु जी को ऐसे ही प्रणाम कीजिए ठीक है ना गुरु जी को ऐसे ही प्रणाम कीजिए आपको मालूम है अभी मोबाइलों में कितना जी चलता है पहले टू जी आया था फिर थ्री जी आया अब कौन सा है फोर जी चल रहा है और आने वाले कल को फाइव जी मोबाइलों में आने वाला है मैं आपको बता दूं, आपके मोबाइलों का नेटवर्क कभी भी हिल सकता है हुँ? आपके मोबाइलों का नेटवर्क कभी भी हिल सकता है अरे भाई यहां तो ये फोर जी काम नहीं कर रहा है वो कहते हैं यहां जियो काम नहीं कर रहा है वो कहते हैं यहां बी काम नहीं कर रहा है वो कहते हैं यहां आइडिया काम नहीं कर रहा है वो कहते हैं यहां एयरटेल काम नहीं कर रहा है वो कहते हैं यहां वोडोफोन काम नहीं कर रहा है मैं आपको ऐसा नेटवर्क तो दे रहा हूं जो भयंकर से भयंकर जंगल में भी काम करेगा और वो फोर मेरे जो फोर जी है वो बड़े अद्भुत है हमारे फोर का पहला जी है प्रभु जी बोलो तो फोर जी का पहला जी प्रभु जी बोल लो फोर जी का पहला जी प्रभु जी फोर जी का दूसरा जी गुरु जी फोर जी का तीसरा जी पिताजी और फोर जी का चौथा जी माता जी जिसके साथ ये फोर जी होते हैं वो दुनिया में कहीं भी रह जाए उसका नेटवर्क कभी फैल नहीं होता है कहीं भी रह जाए धरती पर वो पर जिसके पास ये फौज जी हैं प्रभु जी का आशीर्वाद का जी गुरु जी के आशीर्वाद का जी और और पिताजी का आशीर्वाद का जी ये नेटवर्क बड़ा तखड़ा है जहां पर दुनिया भर के सारे कंपनियों के नेटवर्क भी काम नहीं करेंगे वहां पर ये वाला फौज जी फिर से मुंह से बोल लो फौज जी प्रभु जी गुरु जी बोलो 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 प्रभु जी गुरु जी पिताजी माता जी कुल मिला के कितने हुए जी फोर जी और ये फोर जी का फॉर्मूला ये फोर जी का नेटवर्क ये फोर जी का नेटवर्क कभी फैल नहीं होता है कभी नहीं कभी नहीं इसलिए जब हम प्रणाम की बात उठा रहे हैं तो सबसे पहले इन चार पहला क्या है प्रभु जी रोज़ सुबह उठकर अपने हृदय की प्रार्थनाएं उसके लिए ज़रूर समर्पित करो उसका क्या स्वार्थ था हमें दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है सारी सुविधाएं दी हैं हमें आंख दिए हैं नाक दिए हैं कान दिए हैं जबान दिए हैं पांव दिए हैं हाथ दिए हैं सोचने के लिए दिमाग दिया है पूरे शरीर को हमें स्वस्थ दिया है कितनी बड़ी मेहरबानी है उसकी कितनी बड़ी उसकी कृपा है हम पर अच्छा परिवार दिया है अच्छा धर्म दिया है अच्छा विवेक दिया है अच्छे ढंग से जीवन को जी सकें यह मार्ग दिया है अच्छी धर्मपत्नी दी है अच्छे सुशील बच्चे दिए हैं सही रस्ते पर चलने वाले परिजन दिए हैं शुभकामनाएं देने के लिए माता पिता दिए क्या उसकी कम मेहरबानी है जीवन जीने की सारी व्यवस्थाएं दी है इसलिए सुबह उठकर प्रभु जी के चरणों में इसलिए प्रणाम मत करो कि हमें कुछ पाना है इसलिए प्रणाम करो कि जो पाया है उसका शुकराना अदा करना है शुक्राना मिस साधुवाद देना है मिस थैंक यू कहना है थैंक यू सो मच प्रभु जी तूने सारी जीवन की व्यवस्था दी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं कि ये नहीं दिया मैं शुक्राना अदा कर रहा हूं कि सब कुछ दिया किसको शुक्राना अदा करो प्रणाम करके पहला प्रभु जी को नंबर दो अपने उन गुरुजनों को जो बिना किसी स्वार्थ के हमें महान जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं जिनकी बदौलत हम एक पवित्र और नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन पाते हैं जो हमारे दिलो दिमाग को स्वस्थ सुंदर और प्रसन्नता से भरते हैं ऐसे गुरुजनों को जिनके आशीर्वाद हमें जीवन में प्रगति के राह पर लेकर जाते हैं उनको जरूर प्रणाम करो और नंबर तीन अपने पूज्य माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया पाल पोसकर बड़ा किया अपने पाँव पर खड़ा किया जीने के लायक बनाया आज जो तुम्हारी औकात है वो आपकी बदौलत नहीं वो उन पुज्य माता पिता की बदौलत है जिन्होंने पाल पोसकर पांव पर खड़ा करके आपके जीवन को अच्छी राहें दी खुद संकट में रहे पर आपको सुविधाएं दी खुद दुख में रहे पर आपको सुख दिया खुद गीले में रहे पर आपको सुखे में सुलाया खुद भूखे रहे पर आपके पेट को भरने की व्यवस्था की उनको आभार ज्ञापन करने के लिए उनको शुक्राना अदा करने के लिए उनके प्रति थैंक यू सो मच कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया आज खाने पीने के लायक बनाया आज हम जो गौरव में जीवन जी रहे हैं ये आपकी बदौलत जी रहे हैं तो इन चार लोगों को प्रभु जी को गुरु जी को आदरणीय पिताजी को आदरणीय माता जी को परम आराध्य प्रभु जी को हमेशा घुटने टिका के प्रणाम करो प्रणाम का परिणाम हमेशा ब्लेसिंग में आता है आप प्रयोग करके देखना जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जो लोग घरों में मेरी बात सुन रहे हैं वे आज से एक नियम लागू कर दें कि हम जब भी सुबह उठेंगे अपने घर में जो भगवान का चित्र रखा हुआ है प्रभु जी को धोख लगाएंगे हमारे जो आराध्य गुरुजर हैं उनको प्रणाम करेंगे और जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे घर में माता पिता है उनके चरणों को छूकर उनके चरणों की धूली को अपने माथे पर चंदन की तरह लगाएंगे मैं सच कहता हूँ ये हमारे द्वारा उनको किया गया प्रणाम और उनके द्वारा दी गई शुभकामनाएं जब हमारे तो सर पे हाथ रखते हैं भगवान थारो कहीं करे कहीं करे कहीं करे कहीं करे बोलो 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 भलो करे ये जो भलो करे वाली बात है ना मानकर चलना ये केवल भलो करे नहीं ये रक्षा कवच है मुझे नहीं पता कि बाहर में जो लोग रक्षा कवच बनाते हैं कितने काम करते हैं पर माता पिता के आशीर्वाद का रक्षा कवच कोई व्यक्ति लेकर अपने घर से बाहर निकलता है चाहे जैसी विपत्ति उसके सामने आ जाए पर जिसके साथ आशीर्वाद का रक्षा कवच है ब्लेसिंग का रक्षा कवच है दुआओं का रक्षा कवच है उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता मन बना लो आज से अगर माता पिता धरती पर हैं तो उनको प्रत्यक्ष में प्रणाम कीजिए संयोगवश ऐसी कोई घटना हो गई कि आप अपने आदरणीय माता पिता से अलग भी हो गए तब भी मैं कहूंगा अपनी ऑफिस जाने से पहले अपने दुकान जाने से पहले अपने जॉब पर जाने से पहले धंधे में जाने से पहले अगर वो तीन किलोमीटर दूर भी है तब भी मेरे कहने पर अपना ये तीन किलोमीटर गाड़ी चलाने का पेट्रोल डीजल खर्च कर देना यूं भी दिन भर अपने कितना डीजल पेट्रोल बहाते रहते हैं पर जहां वो है उनके घर पर जाना और वहां पर जाकर ये तो तुम्हारा सौभाग्य नहीं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हो या तुम उनके साथ हो पर ये तो सौभाग्य ले ही सकते हो कि अपने हर दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद के साथ हो।, हो सकता है दुर्भाग्यवश ऐसी जीवन में स्थिति आ गई कि आप अपने पूज्य माता पिता के साथ नहीं हो पर यह सौभाग्य फिर भी हम ले सकते हैं अलग हो गए दूर हो गए कहीं कोई बात हो गई हो गई सो हो गई भूल किससे नहीं होती है मेरे भाई भूल दुनिया में किससे नहीं होती है किसी से भी भूल हो सकती है पर भूलों को भूलना यही तो जीवन की महानता है हो सकता है कभी मम्मी ने टोक दिया पापा जी ने डांट दिया कभी बहुत से गलती हो गई छोटी मोटी बातों को नेगलेक्ट करके बड़े बाप की बेटी वही तो होती है जो वक्त आने पर घर में झुक कर अपने माता पिता अपने सास ससुर का साथ निभाने के लिए कहती है मम्मी जी सॉरी पापा जी सॉरी ये बात अब कोई अर्थ नहीं रखती कि गलती मेरी है या आपकी है अब इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि गलती मेरी है कि आपकी है पर अगर रिश्तों में मिठास गोलना है मैं अपना बड़प्पन दिखाती हूँ मैं घर की कुलवधु बनती हूँ मैं घर की गृहलक्ष्मी बनती हूँ मैं चार कदम आगे बढ़ाती हूँ हे मेरे ससुर जी हे मेरे सासू जी मैं आगे बढ़कर आपको सॉरी कहती हूं मैं चाहती हूं आपका आशीर्वाद उनकी दौलत मेरे सर पर हमेशा बनी रहे वो बहू बड़े बाप की बेटी होती है बड़े बाप की बेटी वो नहीं होती जो दहेज बहुत सारा लेकर आती है बड़े बाप की बहू वो नहीं होती जो सोना चांदी बहुत लेकर आती है बड़े बाप की बेटी वो होती है जो घर को एक रखने के लिए झुकने के लिए तैयार होती है वो महान बाप की बेटी होती है इसलिए मैं सुन रहे सभी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि से नियम बना लो अपने घर का जुदा हो गए तब भी साथ और मैं तो कहूंगा संयोग बस वो ऊपर भी चले गए संभव है माता पिता ऊपर चले गए तब भी अपना नियम मत छोड़ना तब तीसरा काम करना जहां आपने अपने घर में उनका सुंदर चित्र लगा रखा है उस चित्र के सामने जाना और सुबह सुबह उठने के बाद अपनी धर्मपत्नी को बोलना बच्चों को बोलना आओ बेटा सब लोग दादा दादी को धोख लगाते हैं क्योंकि जिस मकान में रह रहे हो ना ये मकान मैंने नहीं खरीदा था ये मकान इन्हीं दोनों के नाम का था जो हमें गिफ्ट में मिला है और बिदरियां जो तुम्हारे सोने चढ़े थे ना कड़े और चूड़ियाँ चढ़ी थी ब्याह में ये सब इन्हीं की थी इसलिए आओ इनको शुक्राना करते हैं इनको साधुवाद करते हैं इनको थैंक यू सो मच कहते हैं आदमी कितना गजब का होता है आधी गिलास पिलाने वाले को थैंक यू कहता है एक कचोली खिलाने वाले को थैंक यू कहता है एक एक छोटा सा नाश्ता करा दे फल फ्रूट खिला दे, उसको थैंक यू कहता है यहां से आप राजवाड़ा जा रहे थे बाहर निकलते ही आपकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई इतने में एक एक्टिवा वाला आया और आपका परिचित निकला आपने कहा अरे भैया मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई जल्दी जाना है बैठो पीछे आप राजवाड़ा में उतरे उतरते हुए उसको क्या कहेंगे आप थैंक यू सो मच कहेंगे कि नहीं अरे मेरे भाई दो किलोमीटर के लिफ्ट देने वाले को हम थैंक यू कहते हैं और जिंदगी देने वालों को थैंक यू कहना भूल ही जाते हैं एक गिलास चिकन पिलाने वाले को हम थैंक यू कहते हैं और, और 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 कहीं पर हमें नाश्ता मिल गया निकलते हुए थैंक यू कहते हैं कहीं हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और हमारा रिजर्वेशन नहीं था तभी किसी व्यक्ति ने अपनी आधी सीट हमें दे दी तो उतरते हुए शुक्राना अदा करते हैं चेहरे पर और थैंक यू कहते हैं मेरे भाई रोज सुबह उठकर अगर कर सको ना तो अपने पूज्य माता पिता दादा दादी के प्रति शुक्राना अदा करना कि साहब आपने जन्म लिया आपने पाल पोस बड़ा किया आपने हमारे जीवन का निर्माण किया निर्माण किया इसलिए हर सुबह की शुरुआत प्रणाम से कीजिए किससे कीजिए प्रणाम से कीजिए क्योंकि प्रणाम हमेशा अच्छे परिणाम लेकर आएगा मैं तो कहूंगा जो लोग जहां बैठे हैं और अभी इन प्रवचन को सुन रहे हैं अगर आप चार लोग पास में बैठे हैं आठ लोग पास में बैठे हैं पूरा परिवार लाखों लोग देश भर में सुन रहे हैं हु? मैं तो कहूंगा श्री जैन सीताम्बर खत्रग संघ इंदौर ये भी दुआओं की दौलत इकट्ठी कर रहा है क्योंकि लाखों लोग देश भर में सुन रहे हैं और वो दुआएं दे रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि हम घर बैठे गुरुजनों के प्रवचन सुनने का लाभ ले रहे हैं तो वो भी दुआएं संघ वालों को मिल रही है ना दुआएं तो किधर से भी लोग काम ही आती है भाई काम ही आ किधर से भी लोग दुआएं तो काम ही आती है तो जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं मैं उन सभी लोगों को मोटिवेट करूंगा एक काम करो हाथों हाथ जो 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 पास में बैठे हैं ना उनकी तरफ अपना चेहरा करो और चेहरा करके बोलो प्रणाम साहब प्रणाम साहब

परिणाम का परिणाम अगले पल नहीं आता परिणाम प्रणाम प्रणाम हाथों हाथ आता है जैसे ही हमने प्रणाम किया पहला चमत्कार हुआ और वो है हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आई और सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आई एक और दोबारा करके देखो तो प्रणाम सा देखा 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 क्या चेहरे पर यानी प्रणाम का प्रत्यक्ष परिणाम और वो है प्रणाम करते ही चेहरे पर क्या आती है मुस्कान तो इसका मतलब ये हुआ मुस्कान आते ही जीवन की खुशियां आ जाती है मुस्कान आते ही जीवन की प्रसन्नता आ जाती है मुस्कान आते ही जीवन में आनंद भर जाता है मुस्कान आते ही जो मिला है वो प्रभु का प्रसाद बन जाता है मुस्कान आते ही जीवन का पल पल धन्य हो जाता है इसलिए प्रणाम जरूर करो परस्पर एक दूजे को परमािनी चम जगदीश्वराय प्रणाम जरूर करो ईश्वर को भी गुरुजनों को भी और अपने माता पिता को भी और अपने बड़े भाइयों को भी क्योंकि ये प्रणाम का परिणाम हमारे जीवन में हमेशा शुभ परिणाम देता है मैं बताऊं हम जिस घर में पैदा हुए ना मेरा जहां पर जन्म हुआ हम पांच भाई मैं जिस घर में जन्मा हमारे माता पिता के हम पांच संताने थे सबसे छोटा मैं ठीक है सबसे बड़े वाले भाई साहब का नाम प्रकाश चंद जी दूसरे नंबर भाई का नाम अशोक चंद जी तीसरे नंबर भाई का नाम सिद्धिराज जी चौथे नंबर चंद्रप्रभ जी महाराज और पांचवें नंबर सबसे छोटा मैं था हमारे घर में बड़ा विचित्र नियम नंबर एक पहला नियम था रोज सुबह पांच बजे जगकर नीचे आने का छत पर सोए हैं तो छत से और सर्दी में रूम में सोए हैं तो रूम में पांच बजे के बाद मैं जिस घर में जन्मा वहां पर कोई बच्चा कभी बिस्तर पे नहीं रहा चाहे जिस बहू की तीन दिन पहले शादी करके जो वो घर में आई है वो भी पाँच बजे नीचे आ जाती थी घर का नियम था पिताजी का सख्त अनुशासन था शाम को भली आठ बजे सो जाओ दिन में भली तीन घंटा सो जाओ पर सुबह दरिद्री बनकर बिस्तर पे मत पड़े रहो सुबह भोर होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में नीचे आ जाओ हम सब लोग नीचे आ जाते जग के पिताजी थोड़े से सख्त थे सख्त का मतलब उस नारियल की तरह थे जो बाहर से तो सख्त नजर आता है पर उसका ऊपर का वो ठीकरी हटा दो तो अंदर से नारियल कितना स्वादिष्ट होता है हमारे पिताजी भी ऐसे ही थे तो 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 रोज पांच बजे नीचे आने का मींस आने का अगर सवा पांच बज गई तो आवाज नहीं देते थे सीधा एक लोटा पानी मुंह पर डालते थे ताकि भविष्य में आवाज देने की नौबत न आए जीवन में याद रखना माँ की ममता और पिता का अनुशासन ये दोनों जब तक साथ नहीं चलते हैं तब तक किसी बच्चे का निर्माण नहीं होता है अगर दोनों ही ममता में उतर गए तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा माँ की ममता एक तरफ चलती रहे और पिता का अनुशासन एक तरफ चलता रहे ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार घड़े बनाता है ना ऊपर से ठोकता है पर अंदर से सहलाता है अंदर वाला हाथ यह मां की भूमिका अदा करता है और बाहर वाला हाथ यह पिता की भूमिका अदा करता है पिता के द्वारा ठोकना ठोकना नहीं है हमारे जीवन के घड़े का निर्माण करना है इसलिए जीवन में दो लोगों को कभी चैलेंज मत दीजिएगा जिंदगी में दो लोगों को कभी चैलेंज मत दीजिएगा नंबर एक मां की ममता को और पिता की क्षमता को इनको कभी चैलेंज देने की मूर्खता मत करना इनकी ममता बड़ी महान होती है और पिता की क्षमता बड़ी महान होती है इतना ही नहीं होता था कि पांच बजे नीचे आ जो। उसके बाद घर का नियम था सब लोग अपने बड़ों को प्रणाम करो तो हम पांचों भाई सबसे पहले पूज्य माता जी को हम प्रणाम करते बिल्कुल घुटने टिका के माथा नमा के प्रणाम करते मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं कि जब हम जन्मे थे तो एक मध्यम वर्गीय से भी नीचे परिवार में हमारा जन्म हुआ लेकिन आज अगर हमारे जीवन का निर्माण हुआ है तो केवल हमारी योग्यताओं के बदौलत नहीं ये जो हमने बचपन में अपने माता पिता को प्रणाम करके उनकी सेवा करके उनके आशीर्वादों की दौलत अपनी ज़िंदगी में कट्ट की थी आज जो मुकाम बना है ये हमारी बदौलत कम उनके आशीर्वादों के बदौलत ज़्यादा है और 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 सबसे पहले पूज्य माता जी को घुटने टिका के प्रणाम मैंने कहा ना पिताजी बड़े सख्त अनुशासन वाले थे इतने में हमारी छुट्टी नहीं होती अब पिताजी को भी घुटने टिका के प्रणाम अच्छा इतने में छुट्टी हो जाती तो बात कोई दिक्कत नहीं पिताजी का इतना अनुशासन था अब सबसे बड़े वाले भाई साहब खड़े हो जाते हम चारों उनको भी घुटने टिका के प्रणाम करते यूं खड़े खड़े नहीं यूं नहीं घुटने टिका के प्रणाम करो बड़े भाई को क्योंकि बड़ा भाई अगर प्रेम को निभा लें तो पिता के बराबर होता है ये तो कि हमसे पूछे कि जिंदगी में बड़े भाइयों का महत्व क्या होता है अरे कभी कभी बड़े भाई माता और पिता से भी आगे बढ़कर अपने छोटे भाइयों का लालन पालन पोषण कर लिया करते हैं धन्य होते हैं वे बड़े भाई किस्मत वाले होते हैं जिनको ईश्वर ऐसे इतने अच्छे बड़े भाई देता है हां हमें अपनी किस्मत पर बड़ा गौरव है तो घर में नियम क्या पहले माता जी को धोख पिताजी को धोख इतने में छुट्टी नहीं होती थी अब जो सबसे बड़े वाले भाई साहब हैं उनको हम चारों भाई घुटने टिका के धोख लगाते उसके बाद क्या होता जो दो नंबर वाले भाई साहब हैं उनको तीन भाई घुटने टिका के प्रणाम करते उसके बाद क्या होता फिर 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 फिर, फिर वो जो तीन नंबर वाले भाई साहब हैं उनको मैं और चंद्रप्रभ जी ये दोनों घुटने टिका के प्रणाम करते फंसता मैं सबसे लास्ट में मतलब मम्मी को करो पापा को करो उनसे बड़े वाले भाई को उनसे छोटे वाले उनसे छोटे वाले उनसे छोटे वाले और फिर चंद्रप्रभ जी को उनको भी घुटने टिका के प्रणाम करना पड़ता पिताजी का अनुशासन था उनके सामने ची चा करने की किसी हिम्मत नहीं होती थी ओ तो हमारे महान पिता ने बचपन में हमें कौन से महान संस्कार दे दिए थे जिनकी बदौलत जिंदगी में प्रगति के द्वार खुले आप जरा सोचकर बताएंगे हमारे पूरे घर में सबसे सबसे ज्यादा शुभकामनाएं किसे मिली हमारे घर में सबसे ज्यादा ब्लेसिंग और सबसे ज्यादा किस्मत वाला कौन निकला बताएंगे आप क्यों 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 सोचो और मैं इसी घटना से हर सुनने वाले व्यक्ति को और हर परिवार को मोटिवेट करना चाहूंगा क्यों निकला किस्मत वाला मेरे सबसे बड़े वाले भाई साहब की किस्मत थी उनको केवल दो लोगों की रोज शुभकामनाएं मिलती उनसे छोटे वालों को तीन की मिलती उनसे छोटे वालों को चार की मिलती उनके छोटे वाले को बोलो 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 कितने की कितनी की चंद्रप्रभु जी को पांच लोगों की मिलती सबसे किस्मत वाला मैं होता था मुझे रोज छह छह लोगों की शुभकामनाएं मिलती और वही तो शुभकामनाएं छक्के मारने में काम आ गए मेरे भाई ये तो कोई किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनके आशीर्वाद की दौलत इंसान को पाने के नसीब मिलते हैं आज से नियम बना लो अपने घर में हम घर में सब लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनकी दुआएं लेंगे उनके आशीर्वाद लेंगे उनकी शुभकामनाएं लेंगे क्योंकि प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है दुनिया में मृत्यु को भी टालने की किसी में ताकत होती है और बड़े से बड़े संकट को भी किसी को टालने में ताकत होती है वो आदमी के प्रणाम में होती है महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध घटना है कहते हैं जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था कृष्ण की गीता गाई जा चुकी थी अर्जुन का शौर्य जगाया जा चुका था भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता का संदेश दे दिया था पांच जन्य शंखनाद हो चुका था इधर कौरवों की सेना इधर पांडवों की सेना और अचानक जोर की आवाज की युधिष्ठिर ने ठहरो और ये आवाज करते ही सब लोग चकाचौंध हो गए क्या हुआ युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर अब देखिएगा घटना क्या होती है युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे अपना अपना धनुष अपने बाण दोनों अपने रथ पे रखे इतना ही नहीं अपने पांव की जूतियां भी खोल दी और नंगे पांव कौरवों की सेना की तरफ रवाना हो गए नंगे पांव बिना किसी शस्त्र के कौरवों की सेना की तरफ रवाना हो गए कृष्ण भी चौंक गए पांडव भी चौंक गए ये भैया क्या कर रहे हैं बड़े भैया और तो और दुर्योधन भी चौंक गया लगता है युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी हार मानने के लिए आ रहा है तभी तो धनुष बाण रख के और पांव की जूतियां उतार के हाथ जोड़कर पांडवों का ये राजा कौरवों की तरफ करबद्ध होकर आ रहा है और तब 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 दुर्योधन ने अपने पास में खड़े हुए पितामह भीष्म ने कहा पितामह लगता है ये युद्ध करने से पहले ही शरणागत होकर और पराभूत होकर और हार मानकर आ रहे हैं संधि करने के लिए पितामह भीष्म का इंतजारी कर ये लोग इतनी जल्दी शरणार्थी बनकर करबद्ध होने वाले नहीं है इसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज होगा और तब युधिष्ठिर चलते चलते नंगे पाँव चलते चलते हाथ जोड़े हुए पितामह भीष्म के रथ के पास आते हैं और वहाँ पर आकर पितामह भीष्म के श्री चरणों में घुटने टिकाकर कर शीश नमाकर कमर झुकाकर हाथ जोड़कर अपने प्रणाम करते हैं और जब वो प्रणाम करते हैं तो पितामह के मुँह से निकलता है विजयी भव और तब वो उसके बाद घुटने टिका के प्रणाम करते हैं गुरु द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य के मुंह से भी निकलता है विजयी भव और तब वो प्रणाम करते हैं गुरु कृपाचार्य को और तब कृपाचार्य के मुंह से भी निकलता है विजयी भव और तब दुर्योधन चिल्लाते हुए कहता है पितामा समझ में नहीं आ रहा है आप सेनापति हमारे हो और विजयी भव का आशीर्वाद दुश्मन को दे रहे हो तब पितामह ने पूरी मानवता के लिए इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के लिए पितामह भीष्म ने तब राज खोलकर कहा था मूरख अगर ये युधिष्ठिर अभी जाकर तेरे मामा शकुनी को भी प्रणाम करेगा ना तो प्रणाम के बदले में तो हमेशा दुआएं ही दी जाती तू क्या समझता है अगर जो बड़प्पन युधिष्ठिर ने दिखाया अगर वही बड़प्पन तू दिखाता और और अपना रथ छोड़कर अगर पांडवों की तरफ जाकर युधिष्ठिर को अपने प्रणाम करता ना तो प्रणाम के बदले में कभी बद दुआ नहीं मिलती प्रणाम के बदले में दुआ मिलती है अगर तू जाकर युधिष्ठिर को भी वहां पर प्रणाम किया होता तब भी युधिष्ठिर के मुंह से यही निकलता विजयी भव मेरे भाई ये विजयी भव की संभावनाएं मनुष्य के प्रणाम में छिपी प्रणाम में हमारी विजय छिपी है प्रणाम में जीवन के परिणाम छिपे हैं मैंने इसीलिए कहा जब मैं तीन छोटे छोटे मंत्र आपकी जिंदगी में घोलना चाह रहा हूं किस चीज के किस चीज के और वो है दुआ की दौलत को इकट्ठा करने के लिए ब्लेसिंग शुभकामनाएं है, 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 आशीर्वाद वो रक्षा कवच हम अपनी जिंदगी में अगर पाना चाहते हैं तो इसके लिए पहला काम करो घर में आदत डाल लो अरे आपके बच्चों के संस्कार हाथ से निकल गए कोई बात नहीं आप शुरू कर दो पूज्य पिताजी के फोटो के सामने जाकर घुटने टिका के प्रणाम करो माताजी दादाजी दादी जी उनको प्रणाम करो शायद आपके बेटे सीख पाए या न सीख पाए पर पोते पोतियाँ तो उनसे सीख लेंगे और कल वो आपको प्रणाम करना शुरू कर देंगे प्रणाम करने से बड़ों को कुछ नहीं मिलता प्रणाम जो करवा रहा है उसको कुछ भी मतलब नहीं है कोई एहसान मत करो कि सुबह उठकर मैं दादी साहब को धोख लगाता हूं इसमें एहसान की क्या बात है, है? सुबह उठकर मैं मम्मी को धोख लगाता हूं सासू मां को धोख लगाती हूं एहसान मत करो क्योंकि धोख लगाने से प्रणाम उनको नहीं धोख लगाने से प्रणाम आपको मिलता है प्रणाम करने से ब्लेसिंग शुभकामनाएं उनको नहीं मिलती आपको मिलती है आदत डाल समझो आप अहमदाबाद गए अपने दोस्त के यहाँ ठहरे बात ही बात में दोस्त ने कहा भैया <laughs> मेरी बेटी इक्कीस बाईस साल की हो गई है कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना इंदौर साइड में अब अब करना है इसका रिश्ता तो आपके खुद का बेटा चौबीस साल का कमारा है तो पहला नाम किसका ध्यान में आएगा आप सीधा कहेंगे भाई देख ले मेरा बेटा भी एमबीए पास कर चुका है चौबीस पच्चीस साल का है अगर हो जाए तो अपनी दोस्ती और बड़ी हो जाएगी और रिश्ता मजबूत हो जाएगा चल के देख ले मेरा कोई आग्रह नहीं कोई आंख के शरम नहीं तुझे पसंद आए तो करना है मैंने तो लड़की को देख लिया मुझे पसंद आ गई तुझे पसंद आए तो करना है और ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं तू ना कहेगा तब भी मुझे बिल्कुल भी ना खुशी नहीं होगी ठीक है रवाना हुए ट्रेन से सुबह सुबह इंदौर में स्टेशन पे आप उतरने वाले थे आपने रात को ही फ़ोन कर दिया था बेटा हम लोग आ रहे हैं मेरा मित्र भी आ रहा है और हम कल इंदौर पहुँच रहे हैं उसने कहा पापा मैं स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा सवाल ये नहीं है कि आप टैक्सी में आएंगे तो पचास रुपये लगेगा और मैं कार लेकर आऊंगा तो सौ रुपये का पेट्रोल जलेगा ख़ास बात यह है कि ऐसा करके मैं अपने पिता के लिए कुछ काम आ पाऊंगा मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा अरे मैं ऐसा करके आपको सम्मान दे पाऊंगा अब वो दोनों पहुंचे इंदौर के स्टेशन पर घटना को ध्यान से सुनना इंदौर पहुंचे स्टेशन पर उतरे प्लेटफॉर्म पर उतरे और इधर सामने वो लड़का उनको लेने के लिए आया गाड़ी बाहर रखी वो भी प्लेटफॉर्म पर आया और सामने पिताजी और उनके दोस्त इधर से सामान लेकर आ रहे हैं और बेटे के घर का नियम वो तो ललित प्रभ चंद्र पर महाराज के रोज प्रवचन सुनने का आदि तो उसका तो रोज का नियम सुबह उठकर क्या करो क्या करो मेरे भाई हमने जीवन में और कोई काम किया कि नहीं किया पर हमने घर घर में श्रवण कुमारों को जन्म देने का काम ज़रूर किया है घर घर में श्रवण कुमारों को जन्म दिया है मातृ पितृ भक्त संतानों को बनाया है और नियम था उसका तो कि पिताजी को सुबह उठते ही प्रणाम करना और वो स्टेशन पे आया सुबह छह बजे ट्रेन आई और वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और जाते ही सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर घुटने टिका के माथा नमाकर पिताजी के चरणों में यूं यूं करके यूं यूं करके यूं यूं करके प्रणाम किया मुझे इतना सा बता दो जो व्यक्ति अहमदाबाद से लड़का देखने के लिए आया अपनी बेटी को उस व्यक्ति को अपने दोस्त घर जाना चाहिए या यहीं पर निर्णय कर लेना चाहिए मैं कहूंगा घर जाने की जरूरत नहीं अब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं जिस घर में यह महान संस्कार है कि 25 साल का बेटा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भी अपने पिता को घुटने टिका के के शीश नमा प्रणाम कर रहा है उस घर में आंख बंद करके अपनी बेटी दे दो क्योंकि जिस घर में इतने महान संस्कार है वहां पर आपकी बेटी हंड्रेड सुखी रहेगी वो लड़का कभी गलत रस्ते जा ही नहीं सकता जा ही नहीं सकता जिसके घर में यह संस्कार है कि प्लेटफॉर्म पर भी एक पुत्र 25 साल का पुत्र अपने 50 साल के पिता को घुटने टिका के प्रणाम कर रहा है हाँ मेरे भाई मैंने पहला अनुरोध किया और वो है दुआओं की दौलत को बटोरने के लिए पहला काम कीजिए क्या, क्या 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 सुबह उठ के आदर डाल लो प्रणाम कीजिए प्रणाम सा क्या करो प्रणाम सा क्योंकि प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है साहब ये जीवन की विनम्रता जो है ना यही तो जीवन की सबसे बड़ी महानता बनती है जीवन में जोड़ने के लिए दूसरा मंत्र जिससे हम दुआ की दौलत इकट्ठी करेंगे आशीर्वाद हम इकट्ठा करेंगे जिससे हम ब्लेसिंग अपने जीवन में इकट्ठा करेंगे और वो है पहला क्या है प्रणाम चलो मैं दूसरा शब्द भी प बोलता हूं और वो है प्रार्थना क्या है बोलो बोलो मुँह से बोलो प्रार्थना ये जब भी हम करेंगे जहाँ भी हम करेंगे बदले में हमेशा हमें, हमें दुआएँ मिलेंगी आशीर्वाद मिलेंगे हमारा रक्षा कवच बनेगा रोज़ सुबह उठकर पांच मिनट ही सही प्रार्थना ज़रूर कीजिए आपको मालूम है जब हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो सबसे पहले शुरुआत स्कूल की कहाँ से होती थी बोलो ही हो माता पिता ही हो मिलता है सच्चा सुख केवल हैं भगवान तुम्हारे याद प्रार्थनाएं किसी की स्कूल में कोई वाली किसी स्कूल में कोई वाली और ही हो माता पिता ही हो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज के काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु और करते हैं हम शुरू आज के काम प्रभु मन बना लो रोज सुबह पाँच मिनट ही सही अपने दिन की शुरुआत जैसे मैंने कहा प्रणाम से कीजिए वैसे मैं कहूँगा प्रार्थना से कीजिए आँख बंद करके बहुत हृदय में परम पिता परमेश्वर का स्मरण करके जो भी आपका आराध्य है प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है दुनिया में एक ही तो ये ताकतवर चीज है जिससे आदमी परमात्मा को भी पा सकता है दुनिया में यही तो एक ऐसी चीज है जो उठती तो यहाँ से है कहाँ से उठती है कहाँ से उठती है और निकलती कहाँ से है नौ इंच ऊपर कहाँ से हृदय से उठती है और मुंह से निकलती है पर खास बात देखो ये नौ इंच का रास्ता पार करे उससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाती है ये खासियत है प्रार्थना की शक्ति देखो कि यह यहां से उठकर यहां तक आए हृदय से निकलकर होठों पर आए उससे पहले हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाती है इससे ज्यादा गतिशील दुनिया में ताकत और वस्तु कोई नहीं जो पल भर में दुनिया की हर शक्ति को पार करके परमात्मा तक पहुंच जाती है पल भर में और हमारा कार्य पूरा होना शुरू हो जाता है मैंने तो जिंदगी में हजारों बार प्रार्थनाओं का परिणाम प्रार्थनाओं का चमत्कार देखा है जब जब परमार्थ भाव से भरकर किसी के संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना की कि हे ईश्वर तो उसका भला कर चमत्कार ये देखा है वो हमारे स्वार्थों को पूर्ण करे कि न करे पर वो हमारी परमार्थ प्रार्थना को हंड्रेड परसेंट पूर्ण करता है आपको जैसे ही लगे ना हुँ? मैं तो कहूँगा कभी ऐसा हो जाए आपकी कॉलोनी में किसी को कोरोना हो जाए और उसको लेने के लिए जब वो एम्बुलेंस आएगी किसी अस्पताल से और आपको पता है मैं देख रहा हूँ कितने फोटोग्राफ आ रहे हैं मोबाइलों में आजकल जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है उसको घर से बाहर डॉक्टर लेकर आते हैं सुलह कर लाते हैं और उसको एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं पास में खड़े हुए लोग केवल एक काम कर रहे होते हैं और मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं अरे यार कौन सा उसने कोई बहुत बड़ा उससे गलत काम हो गया पाप हो गया है जो आप वीडियो निकाल निकाल कर देश भर में भेज रहे हो कौन सा पुण्य कमा रहे हो उससे मैं कहूंगा अगर आप कर सकती हो ना अगर आपको लगे आपकी कॉलोनी में आपकी बस्ती में आपके अड़ोस में आपके पड़ोस में ऊपर में नीचे में किसी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया और उसको ले जाने के लिए तय है भयावह स्थिति है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है वो इंसान और आप केवल एक काम कर रहे हैं उस समय केवल फोटोग्राफी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सोचो हम कितनी नादानी है हमारी वो तो आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है भीतर से कांप है कोरोना के नाम से आदमी घबरा रहा है उसका तो शरीर भीतर से बुखार से कम और भय से ज्यादा कांप रहा है और वो उसको कांपते हुए शरीर को एंबुलेंस में डाला जा रहा है और आसपास खड़े हुए लोग केवल अपने मोबाइल निकाल निकाल कर निकाल निकाल कर फोटोग्राफी कर करके और वीडियो को डाउनलोड करें अंदर रखो मोबाइल हाथ जोड़ना तब एक प्रार्थना करना हे ईश्वर मेरे इस पड़ोसी को मेरे इस परिजन को मेरे इस परिवार के व्यक्ति को मेरे इस मोहल्ले वाले व्यक्ति को मेरे इस कॉलोनी वाले व्यक्ति को आज भयंकर रोग ने है ईश्वर तू दयावान है तेरी अनंत शक्ति है तेरी अनंत हाथ है ईश्वर हमारी प्रार्थना है तो इसको बचा ले मानता हूं उसके इलाज पर लाख रुपया खर्च करना आपके हाथ में नहीं है उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ कर जाना आपके हाथ में नहीं है वहां जाकर उसकी सेवा संभालना आपके हाथ में नहीं है हो सकता है आप उसके घर वालों की जाकर पीछे सेवा कर सकें यह भी आपका हाथ ना हो इतना तो आपके हाथ में है कि आप आंख बंद करके दो आंसू बहाकर उसके लिए प्रार्थना कर सके हे ईश्वर तो उसे बचाना मैं सच कहता हूं अगर उस रोगी के निकलते समय ये जो मोबाइलों को निकालने की परंपरा पड़ गई है कि मोबाइल ले लेकर के वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पूरे देश भर में भेजना इसको बंद करके अगर मोबाइल अंदर डालकर आजू बाजू खड़े हुए लोग अगर प्रार्थना करेंगे ना जो चौदह दिन में ठीक होने वाला है चार दिन में चमत्कार हो जाएगा वो रोगी हंड्रेड परसेंट ठीक हो जाएगा इतनी प्रार्थनाएं एक साथ की जाएगी तो कबूल तो की जाएगी ना इतनी दुआई एक साथ उठेगी तो कबूल तो की जाएगी ना और कुछ नहीं कर सकते अरे जब भी आंखों के सामने से कोई एम्बुलेंस लाल बत्ती जलाकर और हॉर्न बजाते हुए पी पी करते हुए जा रही हो कुछ मत करना स्कूटर पे है तो रोक लेना गाड़ी में है तो रोक लेना खड़े हो तो सड़क के किनारे रुक जाना और कुछ नहीं कर सकते केवल एक प्रार्थना का काम जरूर कर लेना परोपकार की प्रार्थना का काम कर लेना हे ईश्वर मुझे नहीं पता इस गाड़ी में कौन है पर जरूर यह बीमारी की हालत में है तब एम्बुलेंस में जा रहे हैं भगवान तो इसे बचाना इसकी रक्षा करना इसको जीवन दान देना इसको स्वस्थ करना मैं आपको कैसे बताऊं ऐसा करके हम कितना पुण्य बांध लेंगे मेरे भाई याद करो जब नाग युगल जल रहा था कमठ के यहां जब अग्नि जल रही लकड़ी को चीरा गया और चीरी गई लकड़ी में से नाग युगल झुलसता हुआ निकला था तब कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मोबाइलों से नहीं हुई थी और अगर ऐसा होता तो उस नाग युगल की आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता तब महान तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु ने पता है क्या किया था नाग युगल जब झुलसता हुआ बाहर निकला आज अगर ऐसा हो जाए तो सैकड़ों लोग मोबाइल ले लेके खड़े हो जाएंगे उसका वीडियो उतारने के लिए पर करुणा के सागर दया के सागर अहिंसा के अवतार मानवता के मसीहा भगवान को खबर थी इस आत्मा का कल्याण करना है और उन्होंने झट से एक ही काम किया अरे मैं तो कहता हूं सड़क पर किसी घायल जानवर को देखकर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तब भी नेग्लेक्ट करने के बजाय दो मिनट वहां पर रुक जाना और जैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ ने किसी नाग युगल को नमो अरयंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो उवजम नमो लोये सब्व साहुणम एसो पंच नमुकारो सव पाव प्रणास मंगलाणम चव्य से पड़म हवई मंगलम महामंत्र सुनाकर नाग युगल के जीव का निस्तार कर दिया और वही नाग युगल मरकर जिन शासन के इतिहास के सबसे महान देवी देवता धरणेन्द्र और पद्मावती बनते हैं मैं ये आपसे अनुरोध कर रहा हूं जैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु ने एक घायल एक झुलसे हुए नाग युगल को देकर महामंत्र सुनाकर उसकी गति का निस्तार कर दिया हम कुछ नहीं कर सकते सड़क पर चलते हुए पर अगर कोई घायल है कोई जीव जंतु जानवर गाय पशु पक्षी कोई कबूतर कोई कोई कोई, कोई कौआ भी अगर करंट लगकर घायल हो गया है आप अस्पताल ले जा सको अच्छी बात है उसे बचा सको अच्छी बात है दौड़ धूप कर सको अच्छी बात है कुछ भी नहीं कर सकते तो बजाय मोबाइल निकालकर फोटोग्राफी करने के बजाय झट से जोर जोर से बोलना नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवजम नमो लो ये सब बसाणम हे ईश्वर इसकी आत्मा का कल्याण कर परम पिता परमेश्वर का स्मरण करा देना शायद आपके नवकार मंत्र को सुनाने से किसी जीव को फिर से धर्मेंद्र और पद्मावती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए सौभाग्य प्राप्त फिर से किसी जीव को ये दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि मरने से पहले अरे आप नहीं जानते ऐसा करके कि आपने कितना बड़ा पुण्य प्राप्त कर लिया चीज वापस बेकार नहीं जाती वो जो नौकार मंत्र सुनकर नाग युगल धरनेन्द्र और पद्मावती बनते हैं पूरी दुनिया को तिराने वाले पार्श्वनाथ प्रभु जब मेघ माली के द्वारा किए गए जल के उपसर्ग से पानी में डूब रहे होते हैं गला तक डूब जाता है गर्दन तक डूब जाती है ठुड्डी डूब जाती है और अब तो प्रभु को प्राणांत तो उपसर्ग आ रहा है क्योंकि नासिका तक पानी जाने वाला है पूरी दुनिया को तिराने वाले भगवान पार्श्वनाथ जब खुद डूब रहे थे तो उनको तिराने का सौभाग्य देवी पदमावती लेती है यह है महामंत्र नवकार का प्रभाव और मैं ये कहना चाहता हूं अगर कोई मृत्यु तक पहुंच चुका है जीव केवल मोबाइल लेकर उसके फोटोग्राफी कर करके कर, जारी मत करो अंदर रखो इन मोबाइलों को जाओ उसके पास धर्म मंत्र सुना दो भगवान का नाम स्मरण करा दो भगवत नाम उसे सुना दो शायद उसके जीव का निस्तार हो जाए और इस निस्तार को करने का सौभाग्य आपको मिल जाए मैंने कहा दुआओं की दौलत को बटोरने के लिए पहला काम कीजिए क्या कहा मैंने प्रणाम और दूसरा काम प्रार्थना प्रार्थना की ताकत अद्भुत है आपको लगता है ना आपका बेटा बेंगलोरु में जॉब कर रहा है यूएसए में जॉब कर रहा है या 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 किसी और देश में किसी और शहर में जॉब कर रहा है बॉम्बे में कर रहा है और अचानक मोबाइल पे फोन आया आपके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है हैं और 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 उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है या और कोई तबीयत बिगड़ गई है या अभी कोरोना चल रहा है वो पॉजिटिव हो गया कुछ भी चीज़ हो सकती है अभी तुरंत तो दो घंटे में उसके पास पहुंचना आपके हाथ में नहीं है ना और विशेषकर तब जब लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश भर में तब तो किसी के हाथ में लोग किसी के दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे परिवार के लोग सगे भाई बहन नहीं पहुंच पाए थे मैं ये कहूंगा जब आपको पता लगे आपका बेटा आपका भाई आपका परिजन आपकी बेटी आपका जमाई या आपका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी पता लगे उसका एक्सीडेंट हो गया ताबड़ तो फोन ले लेकर के एक दूजे को सूचना मैं महारे बेटे रहे मारे बेटे रुकियो हमारे बेटे एक्सीडेंट हो गया फोन को अंदर रखना जाना जो घर में पूजा का आला है और वहां पर जाकर आंख बंद करके कहना हे ईश्वर सुना है मारने वाले के दो हाथ होते हैं पर तू तो बचाने वाला है तेरे तो हजार हाथ है जिसने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया उसके केवल दो हाथ थे ईश्वर पर तू है परम पिता परमेश्वर तेरे तो हजार हजार हाथ है मेरे ईश्वर तू रक्षा कर हुँ? क्या कर तू तु? तू रक्षा कर ईश्वर तू मेरे बच्चे की रक्षा करना ईश्वर मोबाइलों पे फोन कर कर के सबको जान कर देने से आपके बच्चे के वहां पर कोई कल्याण नहीं होगा पर आपने कोने में जाकर किसी दादाबाड़ी में जाकर किसी परमात्मा के मंदिर में जाकर या किसी जो भी आपके आराध्य है गणपति के सामने जाकर ईश्वर ईश्वर होता है नाम बदलने से ईश्वर नहीं बदलता है शक्ति शक्ति होती है और आपने वहां पर जाकर प्रार्थना की हे भगवान ज्ञान गुण सागर जयपी सिंह लोक उजागर या जो भी आपकी प्रार्थना है आपने प्रार्थना की अपने भाव समर्पित किए भगवान तो उसकी रक्षा कर ये आपके हाथ में है और ये चमत्कार कर सकता है मुझे जैसे ही कोई आके जान कर देता ना साहब अमुक को पूना में अमुक को बेंगलोर में अमुक को हैदराबाद में अमुक को चेन्नई में अमुक को जयपुर में अमुक को इंदौर में या और कलकत्ता में वहां पर कोरोना पॉजिटिव हो गया है मैं पहली प्रार्थना करता हूँ हे ईश्वर मैंने जीवन में अगर कोई सत्कर्म किए हैं तो उनकी झोली में से कुछ कर्म निकाल उसके जीवन में डाल दे उसको बचा ले उसको जीवन दान दे दे तुम्हारे हाथ में है मानता हूँ वो रहेगा कि जाएगा ये मेरे हाथ में नहीं है पर उसके लिए प्रार्थना करना ये तो मेरे हाथ में है और मैं कहूँगा ये प्रार्थना जरूर कीजिए जैसे ही आपको पता लगे ना वो कोरोना पॉजिटिव होगी तो आप क्या करेंगे बताओ जैसे पता लग गया आपका कोई रिश्तेदार है बैंगलोर रहता है हैदराबाद रहता है चेन्नई रहता है अहमदाबाद रहता है कहीं भी रहता है उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया जैसी सोचने आप क्या आजूबाजू वालों को फोन करेंगे अरे पता है क्या बुआ जी को हो गया अरे पता क्या फूफा जी को हो गया अरे पता क्या ताऊ जी को हो गया नहीं 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 किधारे रखो आंख बंद करना जो आपका पूजा काला है ना जहाँ पर आप रोज़ धूप दीप अगरबत्ती करते हैं वहाँ पर जाना अगर वो भी नहीं है तो जहाँ खड़े हो वहीं पर आंख बंद करना और प्रार्थना करना सात मिनट तक तीन मिनट तक दो मिनट तक नौकार मंत्र का जाप या और जो कोई मंत्र आपको आता है उसका जाप करके प्रार्थना करना हे ईश्वर वो मेरे ताऊ वे मेरी भूआ वो मेरा फूफा वो मेरे चाचा जी वो मेरे ताई का लड़का वो मेरे वो मेरे मासी का बेटा उसकी बीमारी आ गई है ईश्वर मेरी प्रार्थना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो अर्चना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो मेरी प्रार्थना का यह तार उससे जोड़ दो ईश्वर तुम उसको बचा लो उसकी रक्षा करो उसको स्वस्थ कर दो मेरे भाई मैं कैसे आपको बताऊं वो स्वस्थ हुआ कि नहीं हुआ पर पुण्यानुबंधी पुण्य आपके तो बंद ही गया क्योंकि आपने उसके लिए प्रार्थना कर आपने उसके लिए कामना कर दी आपने उसके लिए ईश्वर से निवेदन कर दिया प्रभु तो उसकी रक्षा कर और दुनिया में याद रखना कभी कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती आप लोग कभी मालपुरा गए हैं है ना तो आपको पता है वहां जो दादा गुरुदेव के चरण है वो किसने बनाए किसी के बनाए हुए नहीं है वो प्रार्थना के चरण है जब एक भक्त बैठता है पुकार करने के लिए कि प्रभु मेरे गुरुदेव मुझे यहां पर दर्शन दो वो एक उपवास करता है दो उपवास करता है तीन उपवास करता है बालपुरा न तो दादा गुरुदेव की जन्म स्थली है न दादा गुरुदेव की स्वर्गवास निर्वाण स्थली है न दीक्षा स्थली वहां पर कुछ भी नहीं हुआ दादा गुरुदेव का वो दादा गुरुदेव की प्रार्थना स्थली है और तब एक भक्त हृदय से पुकार करता है दादा गुरुदेव को पुकारता है दिल से आवाज देता है एक उपवास दो उपवास तीन तीन उपवास की तपस्या के साथ कहते हैं ना भगत के बस में है भगवान भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है क्योंकि भक्त है उनकी शान भगत के बस में है भगवान और अंततः दादा कुशल गुरुदेव प्रकट होते हैं आशीर्वाद देते हैं दर्शन देते हैं वो तो वापस चले जाते हैं पर जहां वो खड़े होकर दर्शन देते हैं उनके श्री चरणों के निशान उसी पाषाण पर अंकित हो जाते हैं और वही निशान आज मालपुरा की दादाबाड़ी बन जाती है प्रार्थना की ताकत है मेरे भाई प्रार्थना की ताकत ईश्वर के यहां पर पैसे की ताकत काम नहीं करती बता दू मैं आपको पैसे की ताकत कोई काम नहीं करती प्रार्थना की ताकत काम करती है अर्चना की काम करती है दिल की पुकार की ताकत काम करती है इसलिए नियम बना लो मैं अपने जीवन की झोली को अब जब दुआओं से भरना है मैं रोज सुबह उठकर पांच मिनट प्रभु की प्रार्थना करूंगा पाँच मिनट दस मिनट कुछ भी नहीं आता है ना नौकार वो भी वो भी वो भी छोटा सा बच्चा नहीं आता उसको बोलो मैं बोलूँ तो सुन ले पर प्रार्थना के संस्कार डाल दो जिससे वो दुआ के दौलत इकट्ठी करता रहे हम लोग रोज भक्तामर स्त्रोत्र का पाठ करते हैं क्या है यह प्रार्थना है जिन चरणों से अमर भक्त के मुकुटों के रत्न चमकते आदि पुरुष के उन चरणों में शीश नमा भोपार उतर उन आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके हम भव सागर को पार उतर रहे हैं जिन चरणों में अमर भक्त के मुकुटों के मणि रत्न चमकते भक्त अमर प्रणत मौली मणि प्रभा जिनके श्री चरणों में देवताओं के मुकुट जब प्रणाम करते हैं तो उनकी आभा जिससे प्रकट होकर आती है उन आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं राजा कहता है संत को चमत्कार दिखाना पड़ेगा संत कहते हैं जो असली संत होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते और जो चमत्कारों के माया जाल में फंस जाते हैं वो संत नहीं होते हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते राजा गुस्से में आकर आचार्य श्री मान तंग सूर्य को आचार्य श्री मान तुंग सूर्य को कारागार में डाल देते हैं जेल में पड़े हैं पूरे शरीर में जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से जंगाएं छिलती जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से जंगाएं चिलती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा कटती जिसके शरीर पर बंधन बांध दिए गए हथकड़ियां बांध दी गई बेड़ियां बांध दी गई जिसको चम्बालीस चम्बालिस अड़तालीस अड़तालीस ताले लगा लगा के कारागार में डाल दिया गया और ये कहकर कि अगर अब तुम्हें बाहर निकलना है तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा तब अभी आचार्य मान तुंग कहते हैं हम केवल प्रार्थना करते हैं हम कभी चमत्कार नहीं दिखाते और तब आचार्य मान तुंग कारागार में बैठे हुए ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर की वंदना हृदय की पुकार उठाते हैं जैसे कभी कोई पुकार द्रौपदी ने उठाई थी कि जब भरी राजसभा में उसका चीर हरण हो रहा था इज्जत को खराब करने के वक्त आ गई थी तब द्रौपदी ने आवाज उठाई थी बिन काज आज महाराज लाज गई मौरी अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे हे भगवान बिना किसी काम के अरे जुआ इन्होंने खेला द्यूत इन्होंने खेला राजसभा इनकी थी मेरा कहा लेन देन पर बिन काज आज महाराज लाज गई मौरी बिना किसी काम के मेरी लाज जा रही है भगवान मेरा क्या दोष है इसमें दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी हे भगवान आज मेरे दुख को तुम ही दूर कर सकते हो पितामह भीष्म को उसने कहा कि मेरी लाज बचाओ कृपाचार्य द्रोणाचार्य को उसने कहा मेरे लाज बचाओ अरे अपने ससुर इसको धुत राष्ट्र को कहा मेरी लाज बचाओ अपने पांचों पांडव पति उनसे उसने कहा लाज बचाओ पर याद रखना जब पति काम नहीं आता जब जब पिता भी काम नहीं आता जब परिजन भी काम नहीं आते जब पैसा भी काम नहीं आता जब परिवार भी काम नहीं आता तब भी परमात्मा काम आता है एक एक को उसने पुकारा था एक एक को अंगुली कर करके पुकारा था पितामह भीष्म दुनिया के महान योद्धा हो तुम्हारे पौत्र वधु की लाज जा रही है सबकी आंखें नीचे थी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी राज्यसभा में खड़े होकर आने की तब उसे पता था जब दुनिया में किसी का कोई काम नहीं आता तब भी एक काम आता है और तब उसने कुछ भी नहीं किया तब उसने उसके पास कुछ नहीं था न मोबाइल थे न फोन था न एस एम एस की सुविधा थी न व्हाट्सएप की सुविधा थी न और कोई संदेश भेजने की सुविधा थी एक ही सुविधा थी और वह प्रार्थना की सुविधा मोबाइल से दी गई सूचना तुम्हारे लिए कोई परिणाम दे या ना दे पर जब प्रार्थना से प्रभु को सूचना दी जाती है और तत्काल कुछ सेकेंड में परिणाम आता है और, 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 और क्या बढ़ता है क्या होता है क्या होता है तब द्रौपदी का चीर बढ़ना शुरू होता है और ऐसे ही आचार्य श्री मानतुंग झेल के कारागार में बैठे हुए बंधनों में बंधे हुए तालों से जकड़े हुए शरीर पर बेडियां जकड़ी हुई है जिनके तब वो भक्त अमर स्तोत्र की रचना करते हैं रचना तो बाद में हो गई वो तो प्रभु को याद करते हैं जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से जंगाएं छिलती अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा तो बंधन की हर कारा करती और तब आचार्य श्री मानतुंग की सारी बेड़ियां टूटती है ताले खुल जाते हैं दरवाजे खुल जाते हैं और मुक्त हुए आचार्य बाहर आते हैं तब राजा कहता है यह कौन सा चमत्कार है तब मानतुंग कहते हैं यह चमत्कार नहीं ये ईश्वर की प्रार्थना है और प्रार्थना की बदौलत जो दुआ पाते हैं किस्मत मतलब? मैं तीसरा शब्द जो आप लोगों के जेहन में उतारना चाह रहा हूं पहला मैंने कहा बोलो 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 प्रणाम दूसरा प्रार्थना चलो मैं पप ही तीसरा शब्द बोलता हूं और वह है परोपकार क्या है जिससे हमेशा हमें दुआएं मिलती है हम जब भी परोपकार करेंगे किसी भलाई का, का काम करेंगे किसी के लिए दुख की विला में काम आएंगे भूखे को भोजन खिलाएंगे बीमार को दवा दिलाएंगे आप तय मानकर चलो उसकी दुआएं हमें मिलेगी जिस किसी क्षेत्र में आपकी ताकत है आप उपयोग कीजिए आपको लगता है ना आप पूरी अस्पताल नहीं बना सकते अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बना दो आपको लगता है वो भी नहीं बना सकते कमरा बना दो आपको लगता है वो भी नहीं बना सकते आप फर्नीचर बना दो अरे आपको लगता है वो भी नहीं कर सकते तो वो जो व्हील चेयर आती है ना अस्पताल में उसको क्या कहते हैं जिसमें बैठा के रोगी को ले जाते हैं वो डेढ़ हजार में आते हैं वो तो कुछ ना कुछ अपने द्वारा करो परोपकार करो क्योंकि परोपकार पापाय पर पीड़नम अष्टादस वचनद्वयम् संपूर्ण सनातन परंपरा में अठारह में व्यास्य वचन द्वयम महर्षि व्यास केवल के दो ही वचन है क्या परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम जब तुम परोपकार का, का काम करोगे तब पुण्य बंधेगा और जब किसी को पीड़ा पहुंचाओगे इसी का नाम पाप हो जाएगा परोपकार अपन अपने द्वारा किसी न किसी का भलाई का, का काम करो याद रखना दूध का सार है मलाई पर जीवन का सार है दूसरों की भलाई अपने द्वारा नीकी के काम करो अरे सब यहीं रह जाएगा पर अपने द्वारा कोई न कोई अगर आपकी कोई जमीन है एक काम कर दो अभिनंदन करना चाहेंगे हम अपने समाज के गौरव भाई श्री प्रकाश जी मालू का जिन्होंने बिटियाओं के लिए छात्राओं के लिए उनके शिक्षा के विकास जो हमारी हैसियत हमने कदम बढ़ाएं उन्होंने छात्राओं के विकास के लिए इंदौर में छात्रावास खोला बिटियाओं को पढ़ लिख कर वे तैयार हो सके इसके लिए छात्रावास खोला अपना तन मन धन लगाकर उस चीज को आगे बढ़ाया क्यों ना गौरव करें हम जो तुम्हारी औकात है उस औकात का एक हिस्सा परोपकार के लिए जरूर लगाओ मैं आपको बताऊं इससे पहले अभी जो जोधपुर में हमारा चातुर्मास था एक ही व्यक्ति की तरफ से चातुर्मास था और उनका नाम है सुखराज जी मेहता जोधपुर के बहुत गौरों में परिवार रहे हैं वो लॉयंस क्लब के बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे उन्होंने पिछले साल का पूरा चातुर्मास हमारा कराया था संपन्न परिवार मां की मृत्यु केवल इस बात के लिए हो गई क्योंकि समय पर खून की व्यवस्था ना हो पाई उन्होंने चारों तरफ इधर उधर दौड़ी गाड़ियां पर ब्लड की जो व्यवस्था उस समय होनी चाहिए थी जो ग्रुप का ब्लड चाहिए था वो हो ना पाया तब बहुत पहले की बात उस है उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी और उनकी माँ की मृत्यु हो गई ब्लड के अभाव में उस व्यक्ति ने अमीर आदमी ने जीवन का नियम लिया मेरे अब शहर में कोई भी व्यक्ति रक्त के ब्लड के अभाव में नहीं मरेगा और तब उन्होंने उसी साल नेहरू पार्क के चौराहे पर अपना बहुत महंगा भूखंड करोड़ों का भूखंड उन्होंने केवल एक काम के लिए लगाया और तब उन्होंने रक्तदान के लिए ब्लड बैंक करनी शुरू की और वो ब्लड बैंक आज भी चल रही है करोड़ों रुपए लगा लगाकर उन्होंने ब्लड बैंक बनाई केवल इस भावना के साथ केवल इस भावना के साथ कि मेरी मां तो चली गई मैं अमीर था तब भी चलेगी खून की कमी से अब इस शहर में कोई आदमी खून की कमी से नहीं जाना चाहिए और जब हमारा चौमासा हुआ तब भी उन्होंने संकल्प लिया था साहब जितना खर्चा आपके चौमासे पे करूंगा उतना खर्चा परोपकार के लिए दिन दुखियों पर भी करूंगा दोनों भाग बराबर करूंगा करना चाहिए आदमी देखो तो सही इस धरती पर कितने महान लोग हैं जो परोपकार के काम कर रहे हैं जिनका नाम दुनिया के विश्व प्रसिद्ध अमीरों में आ रहा है बिल गेट्स हैं ये नाम सुनते ना मन आनंद से भर जाता है कितने लाख करोड़ रुपए उन्होंने चैरिटी के लिए खर्च कर दिए क्यों ना गौरव करें हम कितने लाख करोड़ ऐसे ऐसे लोग धरती पर हैं जिन्होंने अपनी आमदनी का 90 परसेंट भाग केवल चैरिटी के लिए खर्च कर दिया भीलवाड़ा के एक गौरव में अमीर परिवार है अशोक कोठारी शायद वहां के सर्वोपरि घरों में बिजनेसमैन का नाम आता है अपनी आमदनी का फिफ्टी भाग केवल गौ सेवा में खर्च करता है करोड़ों रुपये परोपकार की भावना होगी ना आदमी निकाल पाएगा आज आपके पास दस रुपए हैं आप उसमें से निकालो ताकि जिस दिन आपके पास दस लाख हो जाए तो आप उसमें से भी निकाल सके पचंद एस गार्डे नाम सुना होगा ना नाम लेते हुए जबान मीठी होती है भाई ऐसे लोगों की जिन्होंने अपना स्वार्थों का त्याग करके जो व्यक्ति रोज महीने में तीस दिन एक करोड़ का दान देने के बाद मुंह में मंजन करता था परोपकार अपुण्याय पैसा तो भगवान सबको देता है पर किस्मत वाले होते हैं जो वापस उसमें से कुछ निकाल पाते हैं परोपकार अपन जब देश में कोरोना पॉजिटिव का ये वातावरण बना पर ये तो बहुत 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 दुखद वेला से हमारा पूरा विश्व गुजर रहा है पर सुनकर अच्छा लगा जब पता लगा हमारे देश के गौरव में व्यापारी भाई श्री रतन जी टाटा ने पंद्रह सौ करोड़ रुपए इस दिव्य कार्य के लिए संपन्न किए मन में गौरव होता है कमाना ये तो हर एक के बस का रोग होता है पर जरूरत पड़ने पर परोपकार के लिए लगाना ये जीवन की बहुत बड़ी तपस्या होती है परोपकार है पुण्या यह पापा या परपीणनम जो हमारे पास है जैसा हमारे पास है उसका एक अंश हम जरूर लगाएं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले एक बड़ी प्यारी कहानी कहकर आज के प्रवचन को एंड कर रहा हूं क्योंकि आज का प्रवचन मैंने कोई प्रवचन के रूप में नहीं दिया है जो मन की बातें उठी मैंने सहज में आपको अनुरोध कर दी बस सीधा आया बैठा और बात मन की शुरू कर दी और प्रवचन हो गया पर सहज में मैं चाहता हूं हर आदमी अमीर बने और अमीर बनने के लिए जरूरी है वो प्रणाम करे वो प्रार्थना करे वो परोपकार करे एक राजा के बच्चे का जन्म दिवस था राजा के बच्चे का जन्मदिन था पहला साल बच्चे के जन्मदिन का राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी मैं पूरे नगरवासियों के लिए अपने बच्चे के बर्थडे का कार्यक्रम रख रहा हूं और सबको निमंत्रण दे रहा हूं सब लोग आए और जो भी आए अपने साथ में उपहार लेकर आए मैंने जीवन में किसी नगरवासी का उपहार नहीं लिया पर ईश्वर अपने बच्चे के जन्मदिन पर मैं सबका उपहार लूंगा ना केवल उपहार लूंगा जिसका उपहार सबसे अच्छा होगा उसको दस हजार स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करूंगा पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया लोगों में गया राजा के बेटे का जन्मदिन और राजा दस हजार स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करेगा किसी ने राजा के बेटे के लिए चांदी का पालनिया बनाया किसी ने सोने का झुंझुनिया जुन बनाया सबने अलग अलग तरह की चीजें बनाई खूब सारी चीजें बनाई और सब राजा के बच्चे के जन्मदिन पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे आज राजा के बच्चे का जन्मदिन था पूरे नगर में उत्साह था सब लोग अलग अलग चीजें अलग अलग चीजें तैयार करके ले जा रहे थे सोने के चांदी के रत्नों के आभूषणों के नई नई चीजें ले जा रहे थे ये घोषणा एक किसान ने भी सुन ली गरीब किसान वो अपने घर आया और आकर कहा पत्नी से भगवान राजा के राजमहल में जाने का मौका मिल रहा है ऐसे तो जा नहीं सकते मैंने तो आज तक देखा ही नहीं राजा का राजमहल कैसा है पर ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊंगा सभी लोग कोई ना कोई उपहार लेकर जा रहे हैं तू अपन क्या लेकर जाए तो पत्नी ने कहा पिंपे में आटा है कहो तो इसकी रोटियां बना दो रोटियां ले जाके दे दो राजा को और अपने पास तो कुछ है नहीं देने के लिए कहा ठीक है भगवान बना दे गांव के किसान की धर्म पत्नी ने रोटियां बनानी शुरू की उसने रोटियां इतनी सारी बनाई और एक तौलिया में यूं रखी रोटियां और लेके रवाना हो गया जा रहा हूं राजा के राजमहल में अरे कोई कितना भी चीजें लेकर आए मैं भी राजा को उपहार दूंगा उसके बच्चे के बर्थडे पर निकला पर रस्ते में कोई एक मील चला होगा और उसे रस्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिल गया माए बाप तीन दिन का बुखाओं कुछ दे दो माई बाप तीन दिन का बुखाओं कुछ दे दो और और किसान के मन में दया जगी उसे लगा मेरे पास इतनी सारी रोटियां हैं। राजा का बेटा इतनी सारी रोटियां थोड़ी खाएगा एक साल का बेटा है उसने अपनी गट्टर खोला तौलिये की गांठ खोली और उसमें से पहले रोटियां गिनी कितनी है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह रोटियां हैं कोई दिक्कत नहीं चलो एक काम करो चार रोटियां इस बेचारे गरीब भिखारी को दे देता हूं बेचारा तीन दिन का भूखा है देखो कैसा कैसा टसक रहा है उसने वो चार रोटियां निकाली और उस गरीब भूखे भिखारी को दे दी उसने रोटियां खाई और कहा भगवान तेरा भला करे किसान किसान ने कहा भाई मुझे दुआ मत दे क्योंकि इन रोटियों पर अधिकार मेरा नहीं इन रोटियों पर अधिकार राजा के राजकुमार का ये मेरी पत्नी ने राजा के राजकुमार के लिए बनाई है रोटियां और इन पर अधिकार उनका है तू 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 अगर कर सकता है ना तो राजमहल की तरफ मुंह कर और राजा के बेटे के लिए दुआ कर क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और ये रोटियां उसके लिए बनी है बिखर ने कहा भगवान राजा के बेटे का भला करे वो थोड़ा वहां से आगे निकला गांव के एक शहर के करीब पहुंचा तभी उसने देखा एक गाय का बच्चा गाय के थन में बार बार मुंह मार रहा है बार बार मुंह मार रहा है गाय की आंख में भी आंसू हैं बछड़े की आंख में भी आंसू हैं क्योंकि गाय का मालिक सारा दूध निकाल कर ले गया बछड़े के लिए दो दू बूंद दूध नहीं छोड़ा और 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 बछड़ा बेचारा बार बार मुंह मार रहा है पर कुछ नहीं लग रहा है उसको दया आई सोचा अभी मेरे पास कितनी रोटियां हैं बोलो बोलो कितनी हैं कितनी है सात रोटियां अरे राजा का एक साल का बेटा ये मोटी मोटी सात रोटियां थोड़ी खाएगा एक काम करूं दो रोटी उसने गाय को खिला दी और दो रोटी गाय के बछड़े को खिला दी गाय ने जैसी रोटी खाई और रोटी खाती का ओ किसान ने कहा गौ माता ये जो तू तो दुआ दे रही है मुझे मत दे राजमहल की तरफ मुँह कर किधर क्योंकि इन रोटियों पर किसका अधिकार है ये मैंने मेरे लिए नहीं बनाई ये रोटियां किसके लिए बनाई है ये रोटियां मैंने, मैंने 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 मेरी पत्नी ने राजा के बच्चे के जन्मदिन के लिए बनाई है इसलिए हे गौ माता तुम तो राजमहल की तरफ मुंह कर और क्या कर क्या कर राजा के बेटे के लिए दुआ कर जमाई ले राजा के बेटे के लिए आशीर्वाद दे वहां से और आके निकला सामने राजमहल आ गया सोच रहा था कैसे जाऊंगा राजमहल में मुझे घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे एक काम करूंगा मैं तो भीड़ के बीच में घुस जाऊंगा है इधर भी लोग रहेंगे ऐसे तो मुझे चौकीदार रोक लेंगे पुराने पुराने कपड़े हैं सब ये बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे हैं बड़े बड़े रथों में आ रहे हैं अमीर गाँव के नगर सेठ और गाँव के सेठ संभ्रांत लोग सब मंत्री मंत्री सब आ रहे हैं मैं कैसे घुसूंगा उसने योजना बनाई मैं भीड़ के अंदर घुस जाऊंगा और श्यू अंदर चला जाऊंगा अंदर जो होगा सो देखा जाएगा पर हो गया वो राजमहल पहुंचे उससे 200 कदम पहले सड़क के किनारे एक मरियल कुतिया पड़ी थी भूख से बेहाल शायद दस दिन तक किसी ने उसको रोटी नहीं खिलाई होगी ऐसे सूखी हुई मरियल कुतिया पड़ी थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे लटका हुआ जीप उसकी बाहर आ गई थी आ, 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 कर रही थी और ये देखकर किसान के मन में फिर दया जगी क्या जगी दया जगी। उसने सोचा राजा का बेटा एक, साल का है, तीन रोटियां नहीं खा पाएगा। एक रोटी एक साल का बेटा मेरी मोटी मोटी रोटियां एक रोटी खाएगा दो रोटी उसने कुत्ते को खिलाई और कुत्ते ने जैसे ही रोटियां खाई दस दिन का भूखा कुत्ता बौ, बौ 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 करने लगा तो उस किसान ने कहा रे कुत्ता राम ये 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 दुआ तो मुझे मत दे क्योंकि रोटियों पे अधिकार किसका है किसका है राजा का बेटे का है आज उसका बर्थडे है तो राजमहल की तरफ मुंह कर और उसे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, क्या दे? दुआएं थे भीड़ का हिस्सा बनकर जैसे तैसे वो किसान घुस गया राजसभा में भरी हुई थी राजसभा सैकड़ों हजारों लोग नगरवासी बड़े बड़े अमीर सामंत बैठे थे किसी ने चांदी का पलना किसी ने सोने का झोल का पलना किसी ने सोने का झुंझुड़िया किसी ने राजा के बच्चे के लिए हीरे की अंगूठी राजा के बच्चे के लिए हीरे का ब्रासलेट और सब नई नई चीज़ें मना के लाए थे क्योंकि सबको सम्मानित होना था सामने एक मंच बनाया गया जो 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 वस्तु लाया था उसका नाम लिखकर वो सब चीज़ें वहां पर सजा दी गई फिर राजा रानी देखेंगे और उसको सम्मानित करेंगे जब सब ने अपना अपना सामान दे दिया राजा अपने सिंहासन पे बैठा राजा की रानी पास में बैठी और छोटा एक साल का राजकुमार बिल्कुल पास में झूले पर उसको बैठाया गया था तब तो राजा ने सबसे कहा आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है राजकुमार का जन्मदिन है और आप शुभकामनाएं देने के लिए दुआएं देने के लिए बधाइयां देने के लिए पूरे नगरवासी आए हैं मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं मैंने आप सबका आज पारोसिक सम्मान लिया है जो जो भी आप उपहार लाए मैंने सबका लिया है अब मैं निर्णय करने वाला हूं कि किसको इनाम किसको सम्मान मिले दस हजार का पर मैं चाहता हूं अगर कोई बाकी हो तो पहले हाथ खड़ा कर दो आप लोगों में कोई बाकी है पर जब राजा ने तीन बार कहा और कोई बाकी है और कोई बाकी है और कोई बाकी है तो हिम्मत करके उस किसान ने किसान ने अपने दूसरे हाथ से यूं हाथ ऊपर किया महाराज 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 अंधा था अंधा था अंधा था मैं बाकी हूं तू बाकी है इतनी देर से पूछ रहा हूं है? क्या है क्या इधर आ वो डरता हुआ यूं यू तौलिया बांधा हुआ डरता हुआ पहुंचा महाराज की जय हो जय 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 हो 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 अ गरीब आया बोल 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 तो क्या उपहार लाया और तब उसने कहा अंदाता मैं रोटी लाया रोटी मेरे बेटे को उपहार में देने के तू रोटी लाया खोल खोल उसने अपना तौलिया खोला कितनी लाया अंधाता कितनी बची है एक तू एक। रोटी लाया और वो भी एक रोटी लाया समझता क्या है अन्दाता प्लीज मैं केवल एक रोटी नहीं लाया हूं इस रोटी के साथ बहुत बड़ी अनमोल संपत्ति लेकर आया हूं कहा बोल क्या लाया तो क्या लाया अन्दाता जब मैं घर से निकला तो सबसे पहले कौन मिला था भूखा भिखारी अनदाता मैंने उसमें से चार रोटियां उसको खिलाई उसने मुझे कहा भगवान तेरा भला करे मैंने कहा नहीं राजकुमार के लिए दुआ कर तो अनदाता मैं पहली तो पहली तो उस भिखारी की दुआ राजकुमार के लिए लेकर आया हूँ अनदाता फिर मैं गाय और गाय का बछड़ा इन दोनों की दुआएं उनको मैंने दो दो रोटियां खिलाई और जब गाय ने जमा ही ली तो मैंने कहा राजकुमार के लिए दुआ कर अनदाता और तब गाय और गाय के बछड़े की दुआएं लेकर आया हूँ अनदाता और अनदाता जब मैं राजमहल में आ रहा था मेरे पास तीन रोटियां थी पर सौ कदम दूरी पर एक मरियल कुतियाँ पड़ी थी अनदाता मुझे देखकर दया आगे अंधा और मैंने उसमें से दो रोटियां उस कुत्ते को खिला दिया खाई वो पांव पे खड़ा हो गया करने लगा तो मैंने इस के दुवा कर मैं रोटी तो एक लाया हूं पर साथ में तीन लाया। राजा ने जब यह सुना तो उसने तो अपने गले लगाया ला तेरी रोटी, मुझे दे। ला तेरी रोटी मुझे दे और तब राजा ने अपने हाथ से रोटी ली रानी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो ठहरो तुम ठहरो सारी सभा सदा चका चौंद हो गई ये राजा ने लुखी रोटी गांव के गरीब किसान की रोटी हाथ में ली न केवल हाथ में ली अब तो पालनी में जो उसका बच्चा बैठा था झूले में राजा उसके पास गया और जाकर के और जाकर के उसने वो रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सभा सदों से कहा तुम क्या समझते हो क्या मुझे उपहार में कोई ये सोने के पालनीय झुंझुनिए और ये हीरो की हार की जरूरत थी ये सब तो मेरे राज को उसमें पहले से भरा हुआ है मैं अपने बच्चे के भविष्य के कल्याण के लिए ऐसी कोई दुआ की दौलत का उपहार लेना चाहता था और तब तो उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और अपने बच्चे के मुंह में डालते हुए कहा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ओ नन्हे से फरिश्ते कैसा ये दिल का नाता कैसे ये दिल के रिश्ते क्या मुंह में जा रहा है गरीब किसान की रोटी नहीं दुआ की रोटी ओ नन्हे से फरिश्ते रानी ने राजा का हाथ पकड़ना चाहा राजन कर क्या रहे हो मेरे बच्चा राजा के बच्चे का जन्मदिन और कोई केक काटने की बजाय और आप ये ये गरीब की रोटी उसके मुंह में डाल ले हो तब राजा कहता है ये गरीब की रोटी नहीं ये भगवान की रोटी है ये भगवान की आशीर्वादों की रोटी है और तब राजा ने खड़े होकर कहा आज का सबसे बहुमूल्य उपहार अगर कोई है तो वो इस गरीब किसान की रोटी है क्योंकि ये इसके साथ में दुआ की दौलत लेकर आया है और मुझे पता है ये जो मंच पर रखे हुए सारे उपहार जब बेकार हो जाएंगे तब भी मेरे बच्चे के एक चीज़ काम आएगी और जो गरीब किसान लेकर आया है दुआ वो दुआ काम आएगी याद रखना हाथ से फेंका हुआ पत्थर 200 सौ तक जाता है पिस्तौल से छोड़ी हुई गोली 500 सौ तक जाती है तोप से छोड़ा हुआ गोला पाँच हजार फुट तक जाता है पर गरीब के पेट में डाली हुई रोटी भगवान